एयरक्राफ्ट इंजन मेकर रॉल्स रॉयस के साथ मिलकर इसकी टेस्टिंग की है द नेक्स्ट न्यूज इज रिगार्डिंग प्रोवाइड किया जाएगा टू दो अफेक्टेड पेशेंट्स एंड यह एड तीन लेवल पे दिया जाएगा न्यूट्रिशन लेवल, एडिशनल डायग्नोस्टिक लेवल एंड साथ ही वोकेशनल सपोर्ट दीपा मलिक जी को भी हाल ही में निक्षय मित्र बनाया गया है एंड इन्हें नेशनल एम्बेसडर घोषित किया गया है ऑफ पीएम टीवी मुक्त भारत कैंपेन का इस कैंपेन के तहत टीबी को इलिमिनेट किया जाएगा इन इंडिया बाय 2025 और इस कैंपेन को पीएम मोदी जी ने 2018 में लॉन्च किया था द नेक्स्ट न्यूज इज रिगार्डिंग हिमालयन याक इसे एफ ने एक फूड एनिमल के तौर पर एक्सेप्ट किया है यह बोवाइन एनिमल कैटेगरी में आता है उन जानवरों की कैटेगरी जो दूध देते हैं लाइक काउ वो एंड गॉट इस कैटेगराइजेशन से इसके डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन पे रोक लगेगी एंड साथ ही क्योंकि अब यह एक पार्ट हो जाएगा मिल्क एंड मीट इंडस्ट्री का तो इसकी वैल्यू भी बढ़ जाएगी रिसेंटली जो एक सेंसस हुआ था 2019 में उसके तहत इंडिया में इसका पॉपुलेशन करीब 58,000 है हिमालयन याक वल्नरेबल कैटेगरी में आता है शेड्यूल वन में है एंड साथ ही भारत के उन सारे राज्यों में पाया जाता है जहां हिमालय है लाइक अरुणाचल प्रदेश सिक्किम उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश जे एंड के एंड साथ ही लद्दाख रिसेंटली मोनालोआ वॉलकैनो इरप्ट हुआ था मोनालोआ जो वॉलकैनो है ये वर्ल्ड लार्जेस्ट एक्टिव वोल्केनो है ऑन हवाई आइलैंड हवाई आइलैंड यूएसए का पार्ट है और यह करीब थर्टी एट ईयर्स के बाद इरप्ट हुआ था यहाँ आप देख सकते हैं यह हवाई आइलैंड का मैप है जो कि पैसिफिक ओशियन का एक पार्ट है एंड यहाँ कई सारे एक्टिव वॉलकैनोज आपको दिख दिख जाएंगे जो कि पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का भी पार्ट है और यहाँ जो हवाई का सबसे बड़ा आइलैंड है इस पर आपको मोना लोआ मोना किया इस तरह के कुछ एक्टिव वॉलकैनोज दिख जाएंगे द नेक्स्ट न्यूज इज रिगार्डिंग महात्मा गांधी महात्मा गांधी के बर्स्ट का इनाग्रेशन किया जाएगा एट यूनाइटेड नेशंस हेडक्वार्टर इन 2023 में और इसे तैयार किए हैं हमारे देश के पद्मश्री अवार्डी राम सुतर जी ने आप हमें बताएं कि राम सुतार जी की और, और कौन कौन सी बनाई हुई प्रतिमा को आप जानते हैं द नेक्स्ट न्यूज इज रिगार्डिंग प्रसुन्न जोशी प्रसुन्न जोशी को उत्तराखंड राज्य का ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है करंटली प्रसन्न जोशी जो है चेयरमैन है सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन के अभी ऊर्जा सभागार ये एक बिल्डिंग है जो आप देख सकते हैं पटना में स्थित है और यहीं से सीएम नीतीश कुमार ने इंस्टॉलिंग प्रीपेड स्मार्ट मीटर्स इन रूरल एरियाज इस काम का उद्घाटन अभी किया है इसे आप हिंदी में ऊर्जा सभागार और इंग्लिश में एनर्जी ऑडिटोरियम कहते हैं एंड आज का पहला न्यूज़ है जी ट्वेंटी प्रेसिडेंसी से रिलेटेड इंडिया ने फॉर्मली प्रेसिडेंसी टू कोवर कर लिया है फ्रॉम द करेंट चेयरमैन इंडोनेशिया एंड द थीम जो होगा इंडिया के जी ट्वेंटी प्रेसिडेंसी का वह है वसुधैव कुटुंबकम। यानी वन अर्थ वन फैमिली एंड वन फ्यूचर जी ट्वेंटी की यदि हम बात करें तो so, 1999 के एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद इसकी स्थापना की गई इन्हें कुछ ग्रुप्स के नाम देखे होंगे G7, G8 एंड G20। इनमें डिफरेंस क्या है वह भी हम यहाँ समझने की कोशिश करते हैं G7 में सात डेवलप्ड कंट्रीज आते हैं लाइक जापान यूके यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इटली जर्मनी फ्रांस और कैनेडा जिसमें दो ये कंट्री जो है कैनेडा एंड यू या अमेरिकन कॉन्टिनेंट से यहाँ चार कंट्री आपको यूरोप से दिख रहे होंगे फ्रांस जर्मनी इटली एंड यूके एंड एकलौता कंट्री जो जी सेवन में है एशिया से वह है जापान पहले यह ग्रुप 2014 तक जी एट हुआ करता था जिसमें रशिया भी शामिल था लेकिन बाद में क्रीमिया पे हमले के कारण रशिया को इस ग्रुप से बाहर कर दिया गया जी ट्वेंटी में इन आठ देशों के अलावा जी ग्रुप के अलावा आपको ग्यारह देश और मिलते हैं एंड uh, एक ग्रुप मिलता है यूरोपियन यूनियन ये ग्यारह देश कौन है इन, एट के अलावा अर्जेंटीना ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील चाइना इंडिया इंडोनेशिया मैक्सिको सऊदी अरबिया साउथ अफ्रीका साउथ कोरिया एंड टर्की द नेक्स्ट न्यूज इज कामचका पेनसुला से रिलेटेड है कामचटका पेनसुला रशिया का एक पार्ट है जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं ये कामचटका पेनन्सुला ईस्टर्न मोस्ट पार्ट है रशिया का एंड अभी यह न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि रिसेंटली टू वॉलकैनोज जो हैं इरप्ट हो गए हैं यहाँ नाम उनका बहुत अजीब सा है क्ल्यू चिस्का या सोप का एंड सिव लिज वोलकैनो कामचट का पेनंसुला पर पे लगभग ट्वेंटी नाइन एक्टिव वोलैनोज पाए जाते हैं ऐसा इसलिए है क्योंकि यह पेनन्सुला रिंग ऑफ फायर का पार्ट है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के बारे में मोस्ट प्राइवली आप जानते ही होंगे आप यहाँ देख सकते हैं यह कुरिल आइलैंड है कुरिल आइलैंड जो है रशिया और जापान के बीच कॉन्टेस्टेड है इसको लेके दोनों देशों में विवाद है जापान के चार मेजर आइलैंड्स हैं होकेदो होन्सू सिकोकू एंड क्यूसू द नेक्स्ट करंट अफेयर इज रिलेटेड टू ब्लैक कोरल्स अभी इसमें कुछ ज्यादा जानने को नहीं है सिंपली फाइव न्यू स्पीसीज जो हैं ब्लैक कोरल्स के उनको डिस्कवर किया गया है इन द ग्रेट बैरियर रिव जो आपको पता है ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ ईस्ट में सिचुएटेड हैं या फिर कह लें आप ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट में अलॉन्ग द कोस्ट स्थित हैं एंड ये जो ब्लैक कोरल्स हैं सैलो वाटर्स में भी पाए जाते हैं एंड डाउन टू डेफ ऑफ ओवर ट्वेंटी सिक्स थाउजेंड फिट भी पाए जाते हैं यह कार्नी वोर्स होते हैं नेक्स्ट न्यूज़ इज रिगार्डिंग मैटरनल मोटलिटी रेट अभी रिसेंटली रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने लेटेस्ट डेटा जारी किया है एम का कंट्री का एम की यदि बात करें तो बिहार में ट्वेंटी एट परसेंट का ड्रॉप देखने को हमें मिला ऑल इंडिया लेवल पे हमारा जो डाटा है वह है नाइन्टी सेवन दो हज़ार सोलह अट्ठारह में यह एम एम आर वन वन थ्री था दो हज़ार पंद्रह सत्रह पीरियड में यह एक सौ बाईस तो हम देख सकते हैं लगातार हम मैटरनल मोटिलिटी रेट में इम्प्रूव करते हुए चले जा रहे हैं एंड सेम गोज विथ बिहार बिहार में भी यह लगातार आप देख सकते हैं इम्प्रूव ही हुआ है बट फिर भी हम नेशनल एवरेज से पीछे ही हैं यदि हम एम की बात करें तो यह होता क्या है तो इट इज़ द नंबर ऑफ मैटरनल डेथ्स ड्यूरिंग द गिवन टाइम पीरियड पर वन लाख लाइफ बर्थ जो उसी सेम पीरियड में लाइफ बर्थ हुए थे अभी यदि हम जो टॉप के स्टेट्स हैं जो एम में बेहतर स्थान रखते हैं उनकी बात करें तो मोस्ट ऑफ़ द स्टेट साउथ इंडिया के हैं केरला 19, महाराष्ट्र 33, तेलंगाना 43, आंध्र प्रदेश 45 और तमिलनाडु 54 है एंड जो वर्स्ट स्टेट की यदि बात करें तो इसमें सबसे खराब पोजीशन बड़े स्टेट्स में असम का है जहां 195 है उसके बाद मध्य प्रदेश 173, उत्तर प्रदेश 167 एंड छत्तीसगढ़ 137 है यदि हम 19 स्टेट्स एंड यूटीज की बात करें जो बड़े बड़े स्टेट और यूटी हैं उनमें बिहार का स्थान छठा है गंगा वाटर सप्लाई स्कीम यह स्कीम हाल ही में बिहार में लॉन्च किया गया था इट वाज लॉन्च बाय सीएम नीतीश कुमार एट राजगीर इस स्कीम के फर्स्ट फेज में इंश्योर किया जाएगा अन इंटरप्टिड ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई टू थ्री सिटीज ऑफ बिहार राजगीर गया एंड बोध गया सेकेंड फेज में आ, नवादा में भी ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई किया जाएगा इस स्कीम के तहत गवर्नमेंट यह इंश्योर कर रही है कि प्रति व्यक्ति 135 लीटर शुद्ध पेयजल की सप्लाई किया जाए पहले चरण में राजगीर गया और बोधगया में और अगले साल नवादा शहर में भी इसकी सप्लाई को शुरू कर दिया जाएगा इसमें होगा क्या कि गंगा से पानी लिया जाएगा और उसको भेज दिया जाएगा पंपिंग के द्वारा स्टोरेज रिजर्वायर्स में जैसे राजगीर गया बोध गया इन सब जगहों पे भेज दिया जाएगा वहाँ स्टोरेज जो पानी होगा उनको फिर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में ट्रीट करके पूरे शहर में वाटर सप्लाई को इंश्योर किया जाएगा करंट अफेयर्स इज रिगार्डिंग इंटरनेशनल डे फॉर एबॉलिशन ऑफ स्लेबरी हर साल सेकेंड ऑफ दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल डे फॉर एबोलिशन ऑफ स्लेबरी एंड यह अवेयरनेस जनरेट करने के लिए है सो दैट की ह्यूमन ट्रैफिकिंग चाइल्ड लेबर पे लगाम लगाया जा सके यदि हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में इंडियन स्लेबरी एक्ट 1843 के तहत स्लेबरी को एबोलिश किया गया था इस एक्ट को हम एक्ट फाइव ऑफ 1843 भी कहते हैं और इस समय हमारे देश के जो गवर्नर जनरल थे वह थे लॉर्ड एल एन बोरो जिनका कार्यकाल 1842 से 44 तक था द नेक्स्ट करंट अफेयर्स इज फ्रॉम स्पोर्ट कृति राज सिंह इन्होंने अभी हाल ही में सब जूनियर कॉमनवेल्थ चैम्पियनशिप में सिक्स गोल्ड मेडल्स जीते हैं किस इवेंट में वेट लिफ्टिंग के इवेंट में और यह है खुसरूपुर पटना से एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे थैंक यू गाइस सी यू टुमारो एंड आज का जो पहला न्यूज है वह ग्रेट इंडियन बस्टर्ड से रिलेटेड है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एक बर्ड स्पीसीज़ है जो मेनली इंडिया का एक फ्लैक्सिप ग्रासलैंड स्पीसीज भी है और यह राजस्थान में पाया जाता है और राजस्थान में भी मेनली यह डेजर्ट नेशनल पार्क में पाया जाता है और इसकी आबादी अब बहुत ही कम लगभग 150 के करीब ही बच गई है और यह जो 150 आबादी है यह दुनिया में जितनी भी इसकी पॉपुलेशन है उसका पंचानवे प्रतिशत है तो आप इसे यह अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस बर्ड स्पीशीज की जो स्थिति है वह बहुत ही खराब हो चुकी है और इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने अभी यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट से यह रिक्वेस्ट किया था कि आप कोई एक इनके कंजर्वेशन के लिए प्रोजेक्ट लाइए जो समथिंग लाइक like जो प्रोजेक्ट टाइगर था उसके जैसा हो आपको बता दें कि प्रोजेक्ट टाइगर एक बहुत ही सक्सेसफुल गवर्नमेंट की स्कीम थी एक कंजर्वेशन एफर्ट था जिसके तहत टाइगर को कंजर्व किया जाना था टाइगर का आज जो आई स्टेटस है वह इंडेंजर्ड है और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का क्रिटिकली इंड है प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में यदि हम बात करें तो इसे लॉन्च किया गया था 1973 में और यह एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम था मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज का ही जब इसे लॉन्च किया गया था तो नाइन टाइगर रिजर्व थे इसके अंदर में जो आज बढ़कर फिफ्टी हो चुके हैं एंड टोटल जोग्राफिकल एरियाज जो इस कंजर्वेशन एफर्ट में आते हैं वह है टू पॉइंट टू थ्री परसेंट ऑफ़ द इंटायर कंट्री एरिया एंड टाइगर के कंजर्वेशन से रिलेटेड यदि हम बात कर रहे हैं तो वर्ल्ड टाइगर डे भी देख लेते हैं वर्ल्ड टाइगर डे ट्वेंटी नाइन्थ ऑफ जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है और आई सी एन इसे एक फ्लैगशिप और अम्ब्रेला दोनों स्पीसीज मानता है यदि हम दो हज़ार अट्ठारह के टाइगर सेंसस की बात करें जो कि 2019 में हमारे सामने आया था तो इंडिया में टोटल नंबर ऑफ टाइगर्स अभी 2967 है एंड मोस्ट ऑफ़ द टाइगर्स मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं 526 ट्वेंटी सिक्स हैं ये एंड uh, इंडिया को कहा जाता है कि 80% परसेंट ऑफ द टाइगर्स इन द वर्ल्ड जो है वह सिर्फ भारत में पाए जाते हैं प्रोजेक्ट टाइगर को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो नोडल एजेंसी है वह है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी एंड जब हम इस सेंसस की बात करते हैं टाइगर सेंसस 2018 तो आपको बता दें 2014 के सेंसस से 33 परसेंट की इंक्रीज इन पॉपुलेशन देखने को मिला था और एक स्पेशल मोबाइल एप्लीकेशन का भी यूज़ किया गया था इस टाइगर सेंसस में जिसे हम एम स्ट्राइप्स कहते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉपुलेशन टाइगर का मध्य प्रदेश में हमने जाना उसके बाद यह कर्नाटका में था फिर उत्तराखंड आप देख सकते हैं 2006 में आबादी इनकी चौदह से ग्यारह जो 2018 में टू नाइन सिक्स सेवन हो गया यानी कि लगभग दुगने से भी ज्यादा आबादी इनकी हो गई महज बारह साल में एक बात और आप देख लें प्रोजेक्ट टाइगर के तहत जो पहला नेशनल पार्क कवर किया गया था वह था कॉर्बेट नेशनल पार्क और इसे लॉन्च किया गया था फर्स्ट ऑफ अप्रैल 1973 अगला न्यूज है इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटीज़ से हर साल दिसंबर थर्ड को इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटीज सेलिब्रेट किया जाता है और 2022 का जो थीम है वह है ट्रांसफॉर्मेटिव सॉल्यूशन फॉर इंक्लूसिव डेवलपमेंट द रोल ऑफ इनोवेशन इन फ्यूडिंग एन एसेसिबल एंड इक्विटेबल वर्ल्ड तो काफी बड़ा है पूरा एक सेंटेंस ही है यह थीम में याद रह जाए तो अच्छी बात है नहीं तो आप बस केवल बोले ये याद रखो इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी दिसंबर थर्ड को सेलिब्रेट किया जाता है अगला आप देख लीजिए एक इंपॉर्टेंट है विजय हजारे ट्रॉफी जो रिसेंटली गुजरात में हुआ था इसका फाइनल मैच और इसे जीता किसने है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे बट यह एसोसिएटेड है विथ क्रिकेट यह इम्पोर्टेंट है याद रखना है नेक्स्ट न्यूज इज रिगार्डिंग द प्रेसिडेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल इंडिया ने फिर से दिसंबर महीने में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की प्रेसिडेंसी एक्वायर कर ली है एज्यूम कर ली है और यह सेकेंड टाइम होगा इंडिया के टू या टेन ओयर में जब हमने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की प्रेसिडेंसी संभाली है इसके पहले लास्ट ईयर 2021 में अगस्त महीने में हमने यूएनएससी की प्रेसिडेंसी संभाली थी नेक्स्ट वन इज अग्नि बैरियर एक्सरसाइज 2022 अग्नि बैरियर एक्सरसाइज एक बायलिटल मिलिट्री एक्सरसाइज था बिटवीन इंडिया एंड सिंगापुर और यह हो कहाँ रहा था तो महाराष्ट्र के देवलाली में एंड एडिशन ऑफ़ द द एक्सरसाइज़ था। नेक्स्ट न्यूज़ इज़ रिगार्डिंग मेंटल हेल्थ एंड सोशल केयर पॉलिसी इस पॉलिसी को अप्रूव किया है मेघालय स्टेट ने सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2014 में ही देश का पहला नेशनल मेंटल हेल्थ पॉलिसी लाया था और एम यही था कि यूनिवर्सल साइकेट्री केयर प्रोवाइड किया जा सके इंडियन सिटीजन को हमारे देश में आज भी मेंटल हेल्थ को लेकर बहुत ज़्यादा जागरूकता नहीं है और यह तब और ज़्यादा रिवील हुआ था जब कोविड नाइन्टीन लॉकडाउन दो हजार में लगा हुआ था नेक्स्ट न्यूज़ इज रिगार्डिंग विल्ट डिजीज वैसे तो यह डिजीज किसी भी पौधे में हो सकता है लेकिन हाल ही में न्यूज़ में यह इसलिए था क्योंकि यह बिहार के भागलपुर डिस्ट्रिक्ट के शाहकुंड और सुल्तानगंज ब्लॉक में पाया गया था और वह भी किस में फल्स क्रॉप में ऑल्स क्रॉप में इसका आउटब्रेक हुआ है ऑल्स क्रॉप एक रबी सीजन का क्रॉप है एंड आपको बता दें कि विल्ट डिजीज में जो फ्लो ऑफ वाटर है वह डिसरप्ट हो जाता है इन द जाइलम दो तरह के आपको टिश्यूज पाए जाते हैं इन द प्लांट जाइलम एंड फ्लोयम तो जाइलम में जो फ्लो ऑफ वाटर होता है वह इस बीमारी के कारण डिसरप्ट हो जाता है यह बीमारी जो है पैथोजेंस के कारण होता है एंड पैथोजेंस में आपको फंगी नेमाटोड्स, बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी सम्मिलित हैं एक रिपोर्ट है स्टेट ऑफ ग्लोबल वाटर रिसोर्सेज 2021 रिपोर्ट इसे पब्लिश किया जाता है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा तो यह एक वन लाइनर है जिसे आप याद रखें वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन यह रिपोर्ट पब्लिश करता है द नेक्स्ट न्यूज इज रिगार्डिंग ग्लोबल माइनॉरिटी इंडेक्स ग्लोबल माइनॉरिटी इंडेक्स एक इंडिया बेस्ड इंडेक्स है यह फर्स्ट टाइम है जब कोई ग्लोबल इंडेक्स इंडिया से पब्लिश किया जा रहा है वह भी एक पटना बेस्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट नाम है इसका सेंटर फॉर पॉलिसी एनालिसिस इस रिपोर्ट को रिलीज किया था हमारे देश के फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू जी ने एंड इस इंडेक्स में इंडिया टॉप पोजीशन पे है और इंडिया के बाद साउथ कोरिया जापान पनामा और स्थान पे यूएसए है एंड इस रिपोर्ट में टोटल 110 कंट्रीज को लिस्ट किया गया है बॉटम कंट्रीज की यदि हम बात करें तो मालदीव अफगानिस्तान एंड सोमालिया है एंड आज जो पहला न्यूज है वह नेवी डे से रिलेटेड है हर साल हम लोग चार दिसंबर को नेवी डे सेलिब्रेट करते हैं टू कॉमेमोरेट द अचीवमेंट ऑफ इंडिया नेवल फोर्सेस एंड इंडियन नेवी की स्थापना 1612 में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा की गई थी ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब 1612 में इसकी स्थापना की थी तो इसका स्वरूप कुछ आज से बहुत अलग था और यह सिर्फ ब्रिटिश इंटरेस्ट को फुलफिल करता था 1971 में इंडियन नेवी ने कराची पोर्ट पर अटैक किया था जिसे ऑपरेशन ट्राइडेंट नाम दिया गया था और पूरी तरह से कराची पोर्ट को तबाह कर दिया गया था उसके बाद से ही हर साल आ, हम लोग इंडियन नेवी डे सेलिब्रेट कर रहे हैं द नेक्स्ट करंट अफेयर इज रिगार्डिंग यूज ऑफ स्टीम टू प्रोपेल मून स्पेस क्राफ्ट अब इसके लिए सिर्फ आपको एजेंसी का नाम याद रखना इंपॉर्टेंट है कि कौन सी स्पेस एजेंसी ने पहली बार मून स्पेस क्राफ्ट को प्रोपेल करने के लिए स्टीम का यूज किया है एंड दैट इज जापान की स्पेस एजेंसी जैक्सा दुनिया में कई सारी स्पेस एजेंसी है जैसा कि आप जानते हैं लाइक like, कैनेडा की स्पेस एजेंसी है आपको फ्रांस की स्पेस एजेंसी है चाइना की स्पेस एजेंसी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में नीचे बता सकते हैं कि इन इनकी स्पेस एजेंसी का नाम क्या है द नेक्स्ट न्यूज़ इज रिगार्डिंग द प्रमोशन ऑफ डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट लाइफ सर्टिफिकेट आपको पता ही है लाइफ सर्टिफिकेट जो होता है वो हर साल किसी पेंशनर्स को नवंबर महीने में देना होता है सो so दैट यह प्रूफ हो सके कि वो अभी भी जीवित हैं और उनका जो पेंशन है अगले एक साल तक कंटिन्यू किया जाएगा तो इस लाइफ सर्टिफिकेट को अब डिजिटल फॉर्म में भी पेश किया जा सकता है या ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है बट इसका प्रमोशन किए जाने के लिए एक कैंपेन लॉन्च किया गया है दिस इज नेशन वाइड कैंपेन फॉर द प्रमोशन ऑफ डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट एंड फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर्स सो ये याद रखना है नाउ द नेक्स्ट न्यूज इज रिगार्डिंग द वॉशन अरेंजमेंट वासेनार अरेंजमेंट जो है वह उसका पर्पस क्या था पहले तो ये जान लेते हैं सो so, ये अरेंजमेंट था फॉर द कंट्रोल जी और इसमें जो टोटल मेम्बर्स हैं वह फोर्टी टू हैं एंड इंडिया भी इसका एक मेम्बर है द नेक्स्ट न्यूज इज रिगार्डिंग द प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम इसे शुरू किया है यू एन डी पी ने यू एन डी पी मतलब यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड इट विल हेल्प दोज पीपल जो कि वेस्ट सेग्रीगेशन इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं मोस्टली इंडिया में यह जो वेस्ट सेग्रीगेशन इंडस्ट्री है वह इनफॉर्मल इंडस्ट्री है तो इनको हम फॉर्मल इकोनॉमी की तरफ प्रोपेल कर सकें इसके लिए यह प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम लॉन्च किया गया है आप नॉर्मली इस वेस्ट सेग्रीगेशन इंडस्ट्री को कबाड़ी वाले के नाम से जानते हैं द नेक्स्ट न्यूज इज रिगार्डिंग ए बुक कॉल्ड इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी इस बुक को लॉन्च किया है हमारे सेंट्रल मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी ने यह मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन के साथ साथ स्किल डेवलपमेंट मिनिस्टर भी हैं एंड इसे प्रिपेयर और पब्लिश किया है इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च ने एक बॉडी है यह मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर इस बुक में दिखाया गया है कि किस तरह से हमारे जो डेमोक्रेटिक इथोज है वह हमने इनग्रेन किए सिंस द डाउन ऑफ आवर सिविलाइजेशन so this is all about this book the next news is from nagaland it is about hornbill festival har saal aap dekhenge 1 se 10 december tak jo hai hornbill festival ko celebrate kiya jata hai in the state of nagaland and यह ट्वेंटी थर्ड एडिशन होगा इस सेलिब्रेशन का और इस बार के जो चीफ गेस्ट हैं वो वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनकर जी हैं एंड इसे पॉपुलरली हम फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स के नाम से जानते हैं एंड यह ऑफिशियली गवर्नमेंट ऑफ नागालैंड के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है आप जानते हैं नागालैंड में कई सारे ट्राइबल्स रहते हैं तो ये सारे ट्राइब्स जो हैं इस फेस्टिवल में पार्ट लेते हैं इंटर ट्राइबल इंट्रेक्शन यहाँ होता है एंड प्रमोशन होता है नागालैंड के कल्चरल हेरिटेज का और इसे ऑर्गेनाइज किया जाता है नागालैंड के एक हेरिटेज विलेज सामा में जो कि कोहिमा जो नागालैंड के कैपिटल है वहां से महज 12 किलोमीटर ही दूर है आ, नाम जो इसका हॉर्नबिल फेस्टिवल है वह इंडियन हॉर्नबिल एक बर्ड है उसके नाम पे रखा गया है आप हॉर्नबिल के बारे में देख लेते हैं यह एक वर्नरेबल कैटेगरी में आता है आयु के अंदर एंड आप देखेंगे तो यह काफी लंबी उम्र होती है इसकी लगभग यह कैप्टिविटी में पचास साल तक जीवित रह सकते हैं एंड नॉर्थ ईस्ट में नागालैंड में तो इसकी पॉपुलेशन हमें देखने को मिलती ही है इसके अलावा इसका एक सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन इन द वेस्टर्न घाट और नीलगिरी में भी हमें देखने को मिलता है तो आप हमें बताएं कि यह भारत के किस दक्षिणी राज्य का स्टेट बर्ड भी है इंडियन हॉर्नबिल इंडियन हॉर्नबिल को हम लोग फॉरेस्ट इंजीनियर्स के नाम से जानते हैं फार्मर्स ऑफ द फॉरेस्ट भी कहते हैं एंड द प्ले ए की रोल इन डिस्पर्सिंग सीड्स ऑफ ट्रॉपिकल रीच एंड नाउ द नेक्स्ट न्यूज इज रिगार्डिंग द नेशनल फूड लेबोरेटरी जो एफ एस एस ए आई के अंदर आता है एंड uh, जो अभी लेटेस्ट नेशनल फूड uh, लेबोरेटरी था यह बिहार के रक्सौल में खोला गया है एंड इसका इनग्रेशन हमारे सेंट्रल मिनिस्टर मनसुख मांडविया जी ने किया है जो मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स ये दोनों मंत्रालय यह देखते हैं भारत का पहला इथेनॉल प्लांट कहाँ ओपन किया गया है तो इट इज इन पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार एंड इट वॉज इनोग्रेटेड बाय द सी ऑफ बिहार मिस्टर नीतीश कुमार आज का जो पहला न्यूज है वह है ऑल विमेन सुप्रीम कोर्ट बेंच दिस इज थर्ड टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ सुप्रीम कोर्ट दैट ए बेंच कम्प्राइजिंग ओनली वुमेन जजेस जो कि केसेस को हियर करेंगे हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई हैं वह हैं डी वाई चंद्रचूर इन्होंने अभी जो बेंच बनाया जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी को मिलाकर यह सिर्फ और सिर्फ विमेन को ही कंसिस्ट किए हुए थे एंड आप यहाँ फोटोग्राफ में देख सकते हैं यह हैं जस्टिस हिमा कोहली एंड सेज जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और ये जो तीसरी जज आप देख रहे हैं यह हैं जस्टिस नागरत्ना तो टोटल हमारे सुप्रीम कोर्ट में वर्तमान में यह तीन विमेन जजेज हैं और आगे जाकर ऐसा उम्मीद है कि जस्टिस नागरत्ना जो है भारत की पहली वीमेन सीजीआई भी बनने वाली हैं और यदि हम बात करें पहली बार कब आ, कोई ऐसा बेंच बना था जिसमें सिर्फ वीमेन थी ओनली वीमेन बेंच तो यह 2013 में हुआ था और दूसरी बार ऐसा 2018 में हुआ था एंड भारत की जो पहली वीमेन जज थी इन सुप्रीम कोर्ट वह थी फातिमा बीबी इन नाइनटीन सो दैट्स ऑल फॉर दिस न्यूज नेक्स्ट न्यूज इज रिगार्डिंग जॉम्बी वायरस इसे हम पेंडोरा वायरस यूडोमा के नाम से भी जानते हैं यह जो जॉम्बी वायरस टर्म है ना यह नाम है एक वायरस का जो कि आइस में फ्रोजेन होता है और फ्रोजेन है यह कई सालों से हजारों सालों से फ्रोजेन है और यह डॉर्मेंट स्टेट में होता है और हाल में जो इन जॉम्बी वायरस का सैंपल कलेक्ट किया गया है इट इज फ्राम द परमा फ्रोस्ट इन द साइबेरियन रीजन ऑफ रशिया एंड परमाफोस्ट वो रीजन होता है जो सालों भर बर्फ के नीचे दबा होता है ठीक है तो इसे uh, जो अभी रिकवर किया है डिस्कवर किया है वो फ्रेंच साइंटिस्ट ने किया है फ्रॉम द फ्रोजन लेक इन रशिया जॉम्बी वायरस पे अभी बहुत रिसर्च होना बाकी है बट दे हैव द पोटेंशियल टू बी इन्फेक्शियस एंड हेंस दे पोजेज ए थ्रेट टू द ह्यूमैनिटी नेक्स्ट न्यूज इज रिगार्डिंग मोरालिटी पुलिस मोरालिटी पुलिस हिंदुस्तान में नहीं ईरान में पाए जाते हैं एंड अभी हाल ही में ये न्यूज में इसलिए थे क्योंकि इस पुलिस फोर्स को स्क्रैप कर दिया है ईरान की गवर्नमेंट ने क्यों किया? बिकॉज देयर वॉज अ प्रोटेस्ट इन ईरान फॉर द लास्ट टू मंथ जो कि महसा अमीनी एक ईरानियन वीमन थी इनकी हत्या हो गई थी कहा तो ऐसे जा रहा है कि इनकी नेचुरल डेथ थी ईरान की गवर्नमेंट यह कहती है लेकिन जब इनका पोस्टमार्टम किया गया तो उसमें पाया गया कि इनकी पीट पीट कर पुलिस हिरासत में हत्या कर दी गई थी उसके बाद पूरे ईरान में एक प्रोटेस्ट हुआ कि आप यह जो ड्रेस कोड है और यह जो मोरालिटी पुलिस है इसे आप हटाएं क्योंकि इनकी हत्या मसा अमिनी की इसलिए हुई थी क्योंकि इन्होंने सही से हिजाब नहीं पहना था सो so, ईरान की इस मोरालिटी पुलिस को हम गस्ते इरसाद के नाम से भी जानते हैं जिसकी स्थापना 2005 में हुई थी एंड uh, ये कंट्री में इस्लामिक ड्रेस कोड को इम्प्लीमेंट करते थे द नेक्स्ट न्यूज इज फ्रॉम रशिया रशिया के वाइल्ड पे प्राइस कैप लगा दिया गया है पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड अभी रशिया यूक्रेन वॉर में रशिया के अगेंस्ट और यूक्रेन के साथ आ चुका है अभी यहाँ पे उन्होंने रशिया की फंडिंग को कम करने के लिए कि रशिया के पास पैसे ना रहे रशिया यह लड़ाई ना लड़ सके इसलिए उन्होंने रशिया के जो भी इनकम के सोर्सेस थे उन पे लगाम लगाने शुरू कर दिए हैं एंड इसी अटेम्प्ट में जी एंड ऑस्ट्रेलिया एग्री हो गया है फॉर ए प्राइस कैप ऑफ सिक्सटी डॉलर पर बैरल ऑन रशियन सी बॉन्ड क्रूड ऑयल भी कहा है कि हम भी बॉयकॉट करेंगे जी जो भी रशिया के सिप आएंगे सी क्रूड ऑयल से भरे हुए बट आप देखिए यूरोप की हिपोक्रेसी वो खुद ही जो है भारत से कई गुना ज्यादा तेल रशिया से खरीद रहे थे और भारत को लेक्चर दिया जाता है कि आपको रशिया से कुछ भी नहीं खरीदना चाहिए क्योंकि वो फंड करता है रशिया यूक्रेन वॉर को जानना चाहिए हमें कि रशिया दुनिया का सेकेंड लार्जेस्ट ऑयल एक्सपोर्टर है अब सेकेंड लार्जेस्ट ऑयल एक्सपोर्टर है उस पर ऑयल प्राइस कैप लगाया जाएगा तो निश्चित तौर पे ऑयल एक इंपॉर्टेंट कॉमोडिटी है इसके प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ेंगे और इन्फ्लेशन आना लाजिमी है सो द नेक्स्ट न्यूज इज फ्रॉम रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक आरबीआई ने अनाउंस किया है फोर टाइर्ड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर द कैटेगराइजेशन ऑफ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक इसमें टायर वन जो होता है उन बैंकों को कहा जाता है जिनके पास अप टू हंड्रेड करोड़ डिपॉजिट है टायर टू में वो बैंक आएंगे जिनके पास सौ करोड़ से लेकर हजार करोड़ तक डिपॉजिट है टायर थ्री में वह बैंक होंगे जहां हजार से दस हजार और टायर फोर में मोर देन था टेन थाउजेंड करोड़ जहां डिपॉजिट है अभी हाल ही में आप देख लीजिए एक एन विश्वनाथन कमेटी का गठन किया गया था टू एग्जामिन इशूज रिलेटेड टू अर्बन कोऑपरेटिव बैंक तो ये कुछ फैक्चुअल पॉइंट्स थे ये ध्यान में रखने हैं द नेक्स्ट न्यूज इज रिगार्डिंग द श्री श्री रविशंकर इनको एक अवार्ड मिला है यूएसए में नाम याद रखना है केवल इमिश्री ऑफ पीस अवार्ड सो इमिश्री ऑफ पीस अवार्ड ये श्री श्री रविशंकर को दिया गया है एंड इनके बारे में इतना ही जानना काफ़ी होगा अवार्ड का नाम याद रखिए यूएसए में दिया गया और ये जो ऑर्गेनाइजेशन जो अवार्ड देती है वह है नेशनल सिविल राइट्स म्यूजियम एंड इनका खुद का जो एक कैंपेन है इंटरनेशनल पीस कैंपेन इसे इन्होंने नाम दिया है आई स्टैंड फॉर पीस रविशंकर को गांधी पीस पिलग्रिम अवार्ड भी मिल चुका है फ्रॉम द गांधी फाउंडेशन एंड इनका एक फेमस फाउंडेशन है उसका नाम है आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन जहाँ ये जीवन जीने की कला सिखाते हैं द नेक्स्ट न्यूज इज रिगार्डिंग द बुक प्राइज जिसका नाम है फिफ्थ कमला देवी चट्टोपाध्याय एन आई एफ बुक प्राइज यह बुक प्राइज जो है 2022 में शेखर पाठक जी की बुक द चिपको मूवमेंट ए पीपल्स हिस्ट्री को दिया गया है दिस बुक इज ट्रांसलेटेड फ्रॉम द हिंदी बाय मनीषा चौधरी शेखर पाठक जी ने इस बुक को इनिशियली हिंदी में लिखा था बाद में से इंग्लिश में भी ट्रांसलेट किया गया है बाय मनीषा चौधरी एंड इस अवार्ड को कॉन्स्टिट्यूट किया गया था बाई एन फाउंडेशन इन दो द नेक्स्ट न्यूज इज रिगार्डिंग द नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस इस कमीशन के जो नए चेयरमैन अभी बने हैं वह हैं हंसराज गंगाराम अहिर जी ही इज द न्यू चेयरमैन ऑफ एन सी बी सी एन सी बी सी के बारे में कुछ फैक्चुअल पॉइंट हैं वो जान लेना इंपॉर्टेंट है आर्टिकल थ्री थर्टी एट बी से हम एनसी बी सी के ऑरिजिन को देखते हैं इनिशियली जब नाइनटीन नाइन्टी थ्री में इसका फॉर्मेशन हुआ था देन इट वॉज ए स्टैचूटरी बॉडी एक एक्ट के तहत आया था नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेज एक्ट बट इन टू थाउजेंड एटीन थ्रू द वन हंड्रेड एंड सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एन सी बी सी को एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बना दिया जाता है इसके कॉम्पोजिशन की यदि हम बात करें तो इसमें एक चेयरमैन एक वाइस चेयरपर्सन एंड थ्री मेंबर्स होते हैं और इनको अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट और इनको रिमूव भी किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा ही वेरियस ग्राउंड्स हैं इनके रिमूवल के लाइक इंसॉल्वेंसी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जो होता है अनफिट बाय द रीजन ऑफ इंफॉर्मिटी एंड माइंड मिसबिहेवियर और इनका जो वर्क है नाम से ही क्लियर है कि टू सेफ इंटरेस्ट एंड वेलफेयर ऑफ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस द नेक्स्ट न्यूज इज रिगार्डिंग जी जी ट्वेंटी की जो मीटिंग है वह बिहार में भी होगी जी ट्वेंटी की मीटिंग यह जो बिहार में है बिहार के कैपिटल सिटी पटना में होगा एंड यह सिक्स एंड सेवन ऑफ मार्च ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री को हेल्ड किया जाएगा एंड यह इस बार का दो हजार तेईस का जो लोगो इंडिया ने इश्यू किया है जी ट्वेंटी मीटिंग का आज हम सबसे पहले देखेंगे महापरिनिर्वाण दिवस के बारे में छह दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस मनाया जाता है क्योंकि इसे दिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि है सो so, इनके डेथ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए महापरिनिर्वाण दिवस मनाया जाता है तो हम देख लेते हैं भीमराव अंबेडकर के बारे में कुछ बातें मैंने इनके ऊपर एक स्पेसिफिक वीडियो भी बना रखा है जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा आप वहां से इस वीडियो को भी देख सकते हैं Uh, सारे आपके जो भी फैक्चुअल क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड होते हैं भीमराव अम्बेडकर से रिलेटेड वो वहाँ से आपके कवर हो जाएंगे सो so, सबसे पहले हम देखते हैं भीमराव अम्बेडकर जी uh, यह एक ज्यूरिस्ट uh, थे इकोनॉमिस्ट थे पॉलिटिशियन थे और साथ ही सोशल रिफॉर्मर भी थे इन्हें हम आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं ही वॉज द फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया और इनकी जो स्कूलिंग थी बहुत शानदार जगह से हुई थी जैसे एल्फिंस्टन हाई स्कूल बॉम्बे यूनिवर्सिटी कोलंबिया लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स ये काफ़ी पढ़ाकू टाइप के इंसान थे इन्होंने बॉम्बे स्टेट स्कॉलरशिप भी रिसीव किया था ठीक है एंड ये जो थे जॉन डेवी से काफ़ी प्रभावित थे और जॉन डेवी की जो ये काम था डेमोक्रेसी के ऊपर ये बहुत ज़्यादा उनसे प्रभावित हुए थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के प्रिपरेशन के पहले साउथ बोरो के सामने प्रस्तुत होने को बुलाया गया था वहां इन्होंने अपनी मांग रखी थी कि हमें सेपरेट इलेक्ट्रेट चाहिए रिजर्वेशन चाहिए फॉर द अनटचेबल्स। आगे हम देखते हैं इनके बारे में इन्होंने एक वीकली भी पब्लिश करना शुरू किया था मुक एंड इन्होंने बहिष्कृत हितकारनी सभा भी ऑर्गेनाइज की थी फॉर एजुकेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ दलित इनके कुछ पीरियडिकल्स थे बहिष्कृत भारत समता जनता एंड प्रबुद्ध भारत इनको साइमन कमीशन के साथ काम करने के लिए भी अपॉइंट किया गया था इन्होंने महार सत्याग्रह को लीड किया था फॉर द राइट्स ऑफ दलित दलित दलितों के साथ काफी ज्यादा उस अन्याय हो रहा था अनटचेबल्स को बहुत ही ज्यादा समाज में हे दृष्टि से देखा जाता था जिसको लेके महात्मा गांधी भी चिंतित थे साथ ही आ, ये भीमराव अम्बेडकर भी चिंतित थे लेकिन दोनों के जो काम करने के तरीके थे उनमें अंतर था महात्मा गांधी हमेशा से ये मानते रहे थे कि अनटचेबल्स जो हैं वो हिंदू सोसाइटी के ही पार्ट हैं और उनका जो भी प्रॉब्लम है उनको हम हिंदू समाज में रह के ही उसको सॉल्व करेंगे लेकिन भीमराव अम्बेडकर इसको एक अलग तरीके से देखते थे वो एक अलग नजरिया था उनका वो अनटचेबल्स को हिंदू से अलग समझ रहे थे इनका कहना था कि आप जो है इनके लिए एक अलग से रिजर्वेशन दीजिए तभी जो इनके साथ अन्याय हो रहा है उसे दूर किया जा सकता है 1927 में हम देखते हैं कि ये ओपनली क्रिटिसाइज करते हैं मनुस्मृति को मनुस्मृति को क्रिटिसाइज करते हैं इवेन जो उसकी कॉपीज थी उसको ये बर्न भी करते हैं ठीक है 1930 में ये कलाराम टेम्पल सत्याग्रह नासिक में लॉन्च करते हैं क्योंकि आप देखेंगे उसमें अनटचेबल्स को टेम्पल एंट्री पर भी रोक लगी हुई थी 1932 में हम देखते हैं कि फेमस पूना पैक्ट साइन किया गया था बिटवीन भीमराव अम्बेडकर एंड महात्मा गांधी और महात्मा गांधी को यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे थे उस समय मदन मोहन मालवीय यहाँ पे सेपरेट इलेक्टोरेट को लेके दोनों की बातचीत हो रही थी दोनों में एक कॉन्सेंस डेवलप करने की कोशिश की जा रही थी कि डिप्रेस क्लासेस को सेपरेट इलेक्ट्रेट दिया जाए या नहीं दिया जाए 1936 में इन्होंने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की और भी बहुत सारे फैक्ट हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से रिलेटेड मैंने जिसका जिक्र वीडियो में किया है आप प्लीज उस वीडियो को देखें नीचे लिंक में दिया गया है द नेक्स्ट करंट अफेयर इज रिगार्डिंग फिफ्टी फर्स्ट मैत्री दिवस ये सेलिब्रेट किया गया ढाका बांग्लादेश में क्योंकि आप देखेंगे कि सिक्स दिसंबर नाइनटीन को ही बांग्लादेश एक इंडिपेंडेंट कंट्री के तौर पे उभर कर सामने आता है एंड हमने बांग्लादेश को रिकॉग्नीशन दिया था रिकॉग्नाइज किया था बांग्लादेश एक इंडिपेंडेंट कंट्री है सो so, 1971 में दिया गया हमारा रिकॉग्निशन जो था उसका यह फिफ्टी फर्स्ट ईयर है और इसलिए हम लोग मैत्री दिवस सेलिब्रेट करते हैं वर्तमान में हम देखें तो ये अभी इंडिया का ही सिर्फ युग चल रहा है अभी देखें हम तो 2022 के दिसंबर महीने में हम दो ग्रुप्स के जो है अभी प्रेसिडेंसी हासिल कर चुके हैं लाइक जी ट्वेंटी की भी प्रेसिडेंसी हमें मिल गई है साथ ही यू यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की दिसंबर महीने की प्रेसिडेंसी जो है इंडिया के पास है और 2023 में हम देखेंगे कि एस सी संघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की भी प्रेसिडेंसी हमारे पास होगी आगे हम देखते हैं नेक्स्ट न्यूज इज फ्रॉम बैंकिंग सेक्टर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज रेज द रेपो रेट बाय ए स्मॉलर 35 बीपीएस मतलब अभी आप देखेंगे तो पहले जो रेट था वह 5.9 परसेंट था जो बढ़ के सिक्स परसेंट हो गया है और इसका कारण उन्होंने बताया है कि वी हैव टू फाइट अगेंस्ट द इन्फ्लेशन इन्होंने बताया है कि आगे और भी बदतर स्थिति आने वाली है इन्फ्लेशन की और इसलिए हम जो है यह तैयारी कर रहे हैं और इन्होंने कहा कि यह जो फैसला लिया गया है फाइव टू वन से फैसला लिया गया है फाइव टू वन का मतलब फाइव ने यस बोला और एक ने बोला था नो और टोटल जो नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी जो यह तय करती है कि इन्फ्लेशन uh, को टैकल करने के लिए रेपो रेट क्या होना चाहिए इसमें टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स सिक्स होते हैं आरबीआई के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास जी एंड या uh, yeah, मैंने जैसे बताया कि मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी ने डिसीजन लिया था और इस कमिटी के हेड भी होते हैं आरबीआई गवर्नर छ मेंबर और इस कमिटी को सेटअप किया गया था थ्रू अ गजट नोटिफिकेशन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट रेपो रेट होता क्या है तो रेपो रेट वह रेट है जिस रेट पे आरबीआई लोन देता है टू द कॉमर्शियल बैंक एंड रेपो रेट को हम पॉलिसी रेट भी बोलते हैं पॉलिसी रेट एंड क्योंकि इसी से जो आर है वो तय करती है कि हमारे देश में कितना परसेंट बैंकों में लोन मिल रहा होगा लोन सस्ते होंगे या महंगे होंगे यदि बाजार में ज्यादा मनी सर्कुलेशन हो गया है तो उसे सक करने के लिए या फिर मनी सर्कुलेशन घट गया है तो उसे बढ़ाने के लिए इसी रेट का इस्तेमाल किया जाता है एज ए टूल बाय द आरबीआई रेपो जो है यह एक शॉर्ट फॉर्म है आप देखेंगे तो रीपर्चेज एग्रीमेंट या फिर रीपर्चेजिंग ऑप्शन का तो यह रिपर्चेज किस चीज का किया जाता है इसे हम समझ लेते हैं जैसे आरबीआई जो है जब लोन दे रही होती है किसी बैंक को तो बैंक अपना जो सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट कह सकते हैं आप क्वालिफाइंग सिक्योरिटी सारे सिक्योरिटीज को आप बैंक जो है आरबीआई को बेच नहीं सकती या उनके पास रख नहीं सकती कुछ सिलेक्टेड सिक्योरिटी होते हैं जिनको हम क्वालिफाइड सिक्योरिटीज बोलते हैं वह बैंक आरबीआई को देती है और उसके एवज में आरबीआई बैंक को लोन देती है द नेक्स्ट न्यूज इज रिलेटेड टू नेशनल आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे हर साल यह दिसंबर सेवन को सेलिब्रेट किया जाता है एंड इसका जो मकसद होता है कि आर्म्ड फोर्सेस के जो स्टाफ हैं उनके वेलफेयर के लिए डोनेशंस को रेज करना नेक्स्ट न्यूज इज फ्रॉम द वर्ल्ड लार्जेस्ट विंड सोलर हाइब्रिड पावर डेवलपर अभी हमारे देश की एक कंपनी है अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड जो कि अदानी ग्रुप का एक पार्ट है यह दुनिया की अब सबसे बड़ी विंड सोलर हाइब्रिड पावर डेवलपर बन गई है इन्होंने हाल ही में जैसलमेर में 450 मेगावाट का एक हाइब्रिड प्लांट लगाया था और उसके बाद ही इनको यह तमगा दिया गया है द नेक्स्ट न्यूज इज रिगार्डिंग द ग्लोबल कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे यह रिपोर्ट लाती है इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट आप हमें बताएं कि और कौन सा रिपोर्ट जो है इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट लाती है नेक्स्ट न्यूज इज रिगार्डिंग द सर्विलेंस सेंटर फॉर कॉम्युनिकेबल डिजीजेज टोटल इंडिया में ट्वेंटी लोकेशन होने हैं जहां से सर्विलेंस किया जाएगा कॉम्युनिकेबल डिजीज का उनमें से एक लोकेशन पटना में होने वाला है सर्विलेंस सेंटर जो होंगे ये प्रपोज है बाय द सेंटर यहाँ पे रिसर्च और फोरकास्ट किया जाएगा जो भी एपिडेमिक हो सकते हैं भविष्य में उनका फोरकास्ट किया जाएगा लाइक डेंगू का चिकनगुनिया का इवन स्क्रब टाइफस का वायरस अभी हाल में कोविड था तो इस तरह के कोई भी यदि कम्युनिकेबल डिजीज़ है जो लगे इन्हें कि आगे जाके एक एपिडेमिक पैंडेमिक का रूप ले सकता है तो उनके लिए सर्विलेंस सेंटर बनाने वाले हैं सेंटर इसके लिए जो है फाइनेंशियल सपोर्ट भी देने वाला है फोर फाइव इयर्स एंड इसके बाद इन पाँच सालों के बाद सेंटर अपना सपोर्ट देना बंद कर देगी एंड दिस सेंटर विल कंटिन्यू अंडर द स्टेट सपोर्ट हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू अरविंदो क्लासेस टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द करंट अफेयर्स ऑफ ऑफ दिसंबर 2022 एंड आज का जो पहला न्यूज है वह है सिंधुजा फर्स्ट के बारे में इट इज एन ओशियन वेव एनर्जी कन्वर्टर ओशियन वेव से एनर्जी जनरेट करना यह सिंधुजा वन का काम होगा और इसे डेवलप किया है आई मद्रास ने एंड सिंधुजा का मतलब ही होता है ना जनरेटेड फ्रॉम द सी सी से कोई भी चीज जो उत्पन्न हुआ उसे सिंधुजा बोलते हैं इस डिवाइस का टारगेट है ऑफ जनरेटिंग वन मेगावाट ऑफ एनर्जी पावर फ्रॉम द ओशियन वेव्स इन द द्री इयर्स एंड आप देखिए इसका कितना ज्यादा ब्राइट फ्यूचर इंडिया में हो सकता है बिकॉज इंडिया हैज अ लॉन्ग कोस्ट लाइन ऑफ सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड एंड इट इज केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग फिफ्टी फोर जीगा ऑफ पावर नेक्स्ट न्यूज इज रिगार्डिंग द एंटी मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन भारत में यह कैंपेन अभी लॉन्च किया है गूगल्स जिक्सॉ सबसिडरी ने इसमें क्या किया जाएगा कि जो भी वीडियो अभी अपलोड हुआ है किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे या फिर यूट्यूब पे जैसे तो ये यूज करेंगे प्री बंकिंग का प्री बंकिंग का मतलब होता है कि वीडियो अभी वायरल हुआ नहीं है उसके पहले ये जान लेना कि भाई इसमें कोई प्रोपेगेंडा तो नहीं है कोई फॉल्स क्लेम तो नहीं किया गया है वाइड वाईडस्प्रे, वाइड स्प्रेड सर्कुलेशन से पहले ही इन वीडियोस को ट्रैक कर लिया जाता है और उनको वहां से हटा दिया जाएगा सो so, ये था एंटी मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन द नेक्स्ट न्यूज इज रिगार्डिंग द सिप्री रिपोर्ट 2022। यह न्यूज हाल ही में इसलिए सुर्खियों में था क्योंकि भारत की दो कंपनियां हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एंड भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यह दोनों वर्ल्ड की टॉप हंड्रेड डिफेंस कंपनीज की लिस्ट में आई है एच का रैंक है फोर्टी और बी का रैंक है सिक्सटी इंडिया इसके साथ ही वर्ल्ड का सेकेंड बिगेस्ट इम्पोर्टर आफ्टर सऊदी अरेबिया एंड इंडिया की जो स्पेंडिंग है वह इतनी ज्यादा है कि हम वर्ल्ड में थर्ड बिगेस्ट स्पेंडर होते हैं ऑन डिफेंस आफ्टर यूएसए एंड चाइना सिप्री के यदि हेडक्वार्टर की बात करें तो यह स्वीडन के सोलाना में है यहां आप देख रहे हैं सिप्री इुक दो इसमें बहुत कुछ बातें कही गई हैं उसे हम इन शॉर्ट देखते हैं वैसे तो हम जानते हैं कि रशिया और यूक्रेन के बीच जो है कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है लेकिन उसके अलावा भी इस रिपोर्ट में कई सारे कॉन्फ्लिक्ट्स की चर्चा की गई है लाइक like, आप देखेंगे तो ये अफगानिस्तान में जो कॉन्फ्लिक्ट है उसकी बात भी की गई है आपको छोटे बड़े कॉन्फ्लिक्ट अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में अमेरिकन कॉन्टिनेंट में हर जगह हो रहे हैं यहां आप देख रहे हैं मिलिट्री बर्डन बाई रीजन आप देखेंगे कि यहाँ जो मिडिल ईस्ट के कंट्रीज हैं वह अपने टोटल स्पेंडिंग का एक बहुत बड़ा हिस्सा अपने जीडीपी का एक बहुत बड़ा हिस्सा वो खर्च करते हैं डिफेंस के ऊपर वहीं अमेरिका की यदि हम बात करें तो अमेरिकन कॉन्टिनेंट में जो खर्च है उनके जीडीपी का दो परसेंट से भी कम वो खर्च करते हैं ऑन ने एन एवरेज जब हम वर्ल्ड की बात करते हैं तो पूरा वर्ल्ड लगभग अपने जी का दो तो खर्च करता ही है डिफेंस के ऊपर यहां आप इस टेबल में देख सकते हैं कि द मेन एक्सपोर्टर एंड द इम्पोर्टर ऑफ मेजर आर्म्स 2017 से 21 के बीच का ये एवरेज डाटा दिखाया गया है यूएसए जो है दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है और इसका ग्लोबल शेयर 39% परसेंट है और उसके बाद रशिया 19% परसेंट शेयर अपने पास रखता है एंड यहां आप देखेंगे चाइना 4.6% परसेंट ग्लोबल आर्म्स एक्सपोर्ट में हिस्सेदारी रखता है अपना और यदि हम बात करें इम्पोर्टर्स की तो इंडिया नंबर वन पे है 2017 से 21 के बीच का जो भी आम्स एक्सपोर्ट किया गया है उसका लगभग 11% परसेंट इंडिया ने इम्पोर्ट किया है और लगभग उतना ही सऊदी अरेबिया ने इम्पोर्ट किया है इस लिस्ट को आप ध्यान से देखें तो इंटरेस्टिंगली चाइना मेजर एक्सपोर्टर तो है ही साथ ही चाइना एक मेजर इंपोर्टर भी है दुनिया का करीब 4.8 परसेंट जो आम्स इंपोर्ट है वो चाइना में हो रहा है और आप देखेंगे तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रेंड आपको यहाँ देखने को मिलेगा कि दुनिया के जो भी मेजर आम इम्पोर्टर हैं उनमें गल्फ कंट्रीज काफी बढ़ चढ़ के आपको देख जाएंगे लाइक सऊदी अरबिया आपको यहाँ कतर यू और मेजर टॉप टेन में आपको तीन कंट्रीज जो है वह मिडिल ईस्ट के ही है हैं, ग्लोबल न्यूक्लियर विपन इन्वेंट्रीज के बारे में जनवरी 2022 के यहाँ डाटा आपको मिल जाएगा सबसे पहले हम फोकस करते हैं अपने देश के ऊपर तो पाकिस्तान और इंडिया की यदि बात करें तो इस रिपोर्ट के अनुसार इंडिया के पास जो टोटल न्यूक्लियर वेपन है वो 116 नंबर है और इंडिया से थोड़ा ज्यादा जो इन्वेंट्री है न्यूक्लियर वेपन का वो पाकिस्तान के पास है करीब करीब 165 एंड जो मेजर वेपन इन्वेंट्रीज रखते हैं वह है यूएसए के पास और रशिया के पास यूएसए के पास इनकी संख्या फाइव तो वहीं रशिया के पास फाइव है तो एक तरह से दुनिया का जो सबसे ज्यादा विपिन इन्वेंट्री है न्यूक्लियर आर्म्स का वह है रशिया के पास रशिया रैंक वन पे है यूएसए रैंक टू पे है वहीं यदि हम वर्ल्ड न्यूक्लियर फोर्सेस की बात करें यानी कि कितना किसने डिप्लॉय कर रखा है इन्वेंट्री तो सबसे ज्यादा रशिया के पास है लेकिन डिप्लॉयमेंट सबसे ज्यादा यूएसए ने कर रखी है 1744 आर्म्स न्यूक्लियर आर्म्स को डिप्लॉय कर रखा है उसके बाद रशिया ने 1588 डिप्लॉय कर रखा है इंडिया ने अपने इन्वेंट्री का कुछ भी डिप्लॉय नहीं किया है या फिर डाटा अननोन है एंड पाकिस्तान uh, का सेम केस है इन लोगों ने भी आइदर डिप्लॉय नहीं किया है है या फिर वैल्यू नेक्स्ट न्यूज इज रिगार्डिंग द फीफा वर्ल्ड कप 2022 जो अभी कतर में हो रहा है लोकेशन इसका आपको पता ही है एंड दिस इज द फर्स्ट फुटबॉल वर्ल्ड कप विचिंग विंग हेल्ड इन द अरब वर्ल्ड एंड एशिया के यदि हम बात करें तो एशिया में यह पहली बार नहीं आयोजित हो रहा है इसके पहले भी एक बार 2002 में साउथ कोरिया और जापान इसको ज्वाइंटली ऑर्गेनाइज कर चुके हैं सो दिस इज द सेकेंड वर्ल्ड कप इन एशिया एंड द फर्स्ट वाज फर्स्ट वन वाज इन साउथ कोरिया एंड जापान फीफा एक इंटरनेशनल बॉडी है विच गवर्न्स द गेम ऑफ फुटबॉल एंड इसका जो हेड क्वार्टर है वो आपको स्विट्जरलैंड के जूरिक में देखने को मिल जाएगा और फीफा वर्ल्ड कप का जो मैस्केट है 2022 के लिए वह है लाइव एंड uh, अभी न्यूज में यह इसलिए आया था क्योंकि दीपिका पादुकोण जो है जो एक इंडियन एक्ट्रेस है विल बी द फर्स्ट इंडियन एक्टर टू अनविल द प्रेस्टिजियस वर्ल्ड कप ट्रॉफी द नेक्स्ट न्यूज इज रिगार्डिंग द इंडिया इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2022 डिजिटल डिवाइड यह रिपोर्ट को अनविल किया गया है एन जी इंडिया के द्वारा एंड इसका जो मेजर हाईलाइट है वो हम देख लेते हैं ये जो डिजिटल डिवाइड है ना ये कई स्तर पे हमें देखने को मिलता है यह डिजिटल डिवाइड आप देखेंगे आ, रीजनल लेवल पे है इसके अलावा आपको जेंडर के लेवल पे दिख जाएगा और फिर आप देख लें तो रूरल और अर्बन बेसिस पे भी ये डिवाइड आपको मिलेगा सो हम देखते हैं कहाँ कैसा डिवाइड है टू थर्ड in मतलब जो इंटरनेट यूजर्स हैं वह इंडिया में वह मेल है इस रिपोर्ट में आगे बताया गया है इंडिया में जो मेन है मोबाइल फोन ऑन करते हैं एंड uh, यदि हम विमेन की बात करें तो जस्ट थर्टी वन परसेंट ऑफ वीमेन है मोबाइल फोन यदि हम इंटरनेट यूज का तुलना करें रूरल और अर्बन एरियाज में तो जस्ट यदि हम रीजन के बेसिस पे जाएं, तो महाराष्ट्र जो है highest internet penetration है है. और बिहार में शेड्यूल ट्राइब के अंदर ये जो टेंडेंसी है फाइनेंशियल सर्विसेज को यूज करने का वह सबसे कम पाया जाता है करंट 10, दिनों में जो सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज बना था वह था आम आदमी पार्टी से रिलेटेड आम आदमी पार्टी को अब नेशनल पार्टी का दर्जा दे दिया गया है इसको रिकोगनाइज नेशनल पार्टी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने किया है किसी भी पार्टी को नेशनल पार्टी का दर्जा दिया जाता है इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो हैंडबुक जारी किया गया था 2019 में उनमें कुछ गाइडलाइंस दिए हैं उन्हीं के अनुसार नेशनल पार्टी का दर्जा दिया जाता है तो देख लेते हैं हम उन गाइडलाइंस को कि क्या क्या गाइडलाइंसनाइज तो इन फोर और मोर स्टेट है फर्स्ट वन सेकेंड वन है कि लास्ट लोकसभा या असेंबली इलेक्शन में यदि टोटल वैलिड वोट्स का छह परसेंट वोट शेयर मिला हो उस पार्टी को एंड साथ में ही कंपलसरी है कि एटलीस्ट चार एम उनके होने चाहिए लास्ट लोकसभा इलेक्शन में तो ये दूसरा कंडीशन हो गया तीसरा कंडीशन है कि एटलीस्ट टू परसेंट ऑफ टोटल सीट इन लोकसभा जो है उनके पास होने चाहिए और साथ ही वह एक स्टेट से नहीं कम से कम तीन स्टेट से अगर कोई पार्टी इन तीनों में से कोई भी कंडीशन को सेटिस्फाई करती है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उसे नेशनल पार्टी का दर्जा देती है यदि हम आपकी बात करें तो आप अभी दिल्ली और पंजाब में जो है पावर में है पंजाब में तो खैर बहुत बड़ी मेजोरिटी ला के अभी सरकार बनाई है गोवा के असेंबली इलेक्शन में भी आप देखेंगे तो इनका जो वोट शेयर है वह 6.77 परसेंट रहा था एंड अभी हाल ही में संपन्न हुए गुजरात के असेंबली इलेक्शन में इनका जो वोट शेयर था वह था थर्टीन परसेंट अभी रिसेंटली जो असेंबली इलेक्शंस गुजरात और आपको पता है हिमाचल में हुए थे उनमें हिमाचल में इन्हें जीरो सीट्स मिले थे जीरो सीट्स इन हिमाचल प्रदेश अब हम देखते हैं कि आ, किस तरह से आपको जो है आ, ये नेशनल पार्टी का दर्जा दिया गया उसने किस तरह से क्राइटेरिया को फुलफिल किया था तो गुजरात में पता है आपका जो वोट शेयर था वो बारह तेरह परसेंट के करीब था एंड इस तरह से इन्होंने जो एक क्राइटेरिया था कि सिक्स परसेंट वोट शेयर होना चाहिए एंड एटलीस्ट टू सीट्स होना चाहिए स्टेट पार्टी के लिए वो इन्होंने फुलफिल कर दिया तो पहला स्टेट जो हुआ जहां स्टेट पार्टी है वह गुजरात है और इसके पहले ऑलरेडी यह जो है सिक्स परसेंट वोट एंड प्लस टू सीट्स वाला जो कंडीशन है स्टेट पार्टी होने के लिए वह फुलफिल कर चुके हैं दिल्ली पंजाब और गोवा में तो इस तरह से दिल्ली पंजाब एंड गोवा इन चार जगहों पर इन्हें स्टेट पार्टी का दर्जा प्राप्त है तो ऑटोमेटिकली यह नेशनल पार्टी यहां से बन जाते हैं ठीक है आपको और बता दें कि भारत में अभी इलेक्शन कमीशन ने टोटल आठ पार्टीज को नेशनल पार्टी का दर्जा दे रखा है और आप अभी जो नेशनल पार्टी बना तो ये नाइन्थ नंबर में होगा इसके पहले आठ कौन से थे जिनको नेशनल पार्टी का दर्जा दिया गया है तो वह था कांग्रेस बीजेपी मायावती जी की पार्टी जो बीएसपी है बहुजन समाजवादी पार्टी कॉम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआईएम शरद पवार जी की नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस और मेघालय बेस्ड जो एक पार्टी है नेशनल पीपल्स पार्टी ये टोटल आठ पार्टी एंड प्लस वन आप अब टोटल भारत में नाइन नेशनल पार्टीज हो गए हैं यदि हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करें तो आर्टिकल 324 से यह आता है 1950 में इसका स्थापना किया जाता है अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करते हैं एंड जो स्ट्रेंथ एक की यदि हम बात करें तो यहाँ दो इलेक्शन कमिश्नर और साथ ही एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं इनका जो सैलरी एंड अलाउंस होता है वह सिमिलर टू जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट होता है इनका टेन ईयर आइदर सिक्स ईयर या सिक्स फाइव ईयर दोनों में से जो पहले आ जाए वह रिटायर हो जाएंगे रिमूवल इनका किया जा सकता है इन द सेम मैनर एज द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट क्वालिफिकेशन कोई कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा नहीं है एज सच एंड रीअपॉइंटमेंट को रोका भी नहीं गया है दोबारा ये रिपॉइंट हो सकते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर इज रिगार्डिंग द ड्रोन डिलीवरी हब मेघालय गवर्नमेंट ने अभी हाल ही में एशिया का पहला ड्रोन डिलीवरी हब शुरू किया है आप ये देख रहे हैं ये ड्रोन जो है वह दवाइयां और मेडिकल इक्विपमेंट्स लेकर एक जगह से दूसरे जगह पर ले जा रही है खास करके यह रिमोट एरियाज के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है रिमोट एरियाज में डिलीवरी करना यह बहुत बड़ा चैलेंज था खास करके नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में क्योंकि वहां का टेरेन जो है वो सपोर्ट नहीं करता है हर जगह आप रोड और ब्रिज बना सकें द नेक्स्ट करंट अफेयर इज रिलेटेड टू माउंट सेमेरू वेलकैनो माउंट सेमेरू वेलकैनो आपको यह पहले जान लेना चाहिए इसका लोकेशन क्या है तो यह जावा में है जावा कहाँ है तो जावा इंडोनेशिया में है इंडोनेशिया साउथ ईस्ट एशिया का एक कंट्री है राइट एंड सेमेरू को हम लोग ग्रेट माउंटेन के नाम से भी जानते हैं एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट एक्टिव वोल्केनो है जावा का न्यूज में इसलिए था क्योंकि रिसेंटली यह इरप्शन हो गया मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो वोल्कैनोज हैं और इंडोनेशिया के वो न्यूज में आते रहते हैं क्योंकि वहां अक्सर इरप्शन होता रहता है पूरे इंडोनेशिया को आप जब देखेंगे तो वहां कई सारे आपको वर्ल दिखेंगे एंड इसका कारण है बिकॉज इंडोनेशिया इज लोकेटेड नियर अ सबडक्शन जोन जहां की इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो है सबडक्ट करता है अंडर यूरेशियन प्लेट ये तलांग है माउंट मेरापी सेमेरू यहां हो गया कराकटाव हाल ही में न्यूज में रहा था इसके अलावा भी बहुत सारे और हैं जिनको आप देख सकते हैं ठीक है तो हम एक बार लोकेशन देख लेते हैं कि इंडोनेशिया का और जाबा का लोकेशन जो है बड़े मैप पे कहाँ है अब हम देख लेते हैं माउंट सिमेरू इन इंडोनेशिया कहां पे इसका लोकेशन है तो चलिए हम इंडोनेशिया चल रहे हैं यह माउंट सेमेरू आप यहां देख सकते हैं यह है जावा आइलैंड पर स्थित दिस इज माउंट सेमेरू यहां आप देख सकते हैं कि यह आइलैंड पर स्थित यह माउंट सेमेरू है और यह जो रीजन आप देख रहे हैं दिस इज द सबडक्शन जोन सबडक्शन जोन है जहां इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जैसा कि मैंने अभी बताया था इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो है सबडक्ट कर रहा है अंडर यूरेशियन प्लेट राइट और इसलिए यह रीजन काफी एक्टिव होता है बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलते रहेंगे आप ये बताएं कि क्रिसमस आइलैंड किस देश को कंट्री को बिलोंग करता है मुझे कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे द नेक्स्ट न्यूज इज रिगार्डिंग द डेयरी इंडस्ट्री इन श्रीलंका हाल ही के दिनों में आप देखेंगे तो श्रीलंका को भारत ने बहुत ज्यादा मदद की है सिर्फ हम चाइना की तरह पैसे से ही मदद नहीं कर रहे हैं हम चाहते हैं कि श्रीलंका खुद अपने पैरों पे खड़ा हो सके इसलिए हम उनकी कैपेबिलिटीज को बिल्ड करने की हमेशा कोशिश करते हैं सो so देट कि उनको पैसे मांगने की ही जरूरत ना पड़े और सेम काम सेम तरह की हेल्प हम पूरी दुनिया में करते हैं जैसे अफगानिस्तान हो श्रीलंका हो या फिर आ, नेपाल हो भूटान हो हम लोग कैपेसिटी बिल्डिंग पे बहुत ज्यादा जोर देते हैं सिर्फ चेकबुक डिप्लोमेसी हमें करनी नहीं आती कि हम लोग चेकबुक पे पैसे उन्हें दे दिए और बाद में जब वो रिपे ना कर पाए तो उनके जो है सो इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को कैप्चर कर लेना ये सेम डिप्लोमेसी चाइना करता आया है हमारी वह पॉलिसी कभी नहीं रही तो हमारी जो यह इसी पॉलिसी के तहत हमने क्या किया श्रीलंका का डिपेंडेंसी जो है वह घटे रिड्यूस हो इसके लिए हमने वहाँ का जो मिल्क इंडस्ट्री है डेयरी इंडस्ट्री है उसे स्ट्रांग करने की कोशिश की क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेड मिल्क पे श्रीलंका डिपेंड करता है तो नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड जो हरियाणा में है इसने टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड किया है वहां की डेयरी इंडस्ट्री को इंडिया बहुत बड़ा जो है प्रोड्यूसर है पूरे वर्ल्ड में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मिल्क का श्रीलंका के बारे में आपको बेसिक पता है कि श्रीलंका का कैपिटल श्री जयवर्धने हैं एंड वहाँ के प्रेसिडेंट रानिल विक्रम सिंघे हैं नेक्स्ट न्यूज इज रिगार्डिंग द माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ 2022 यह एक रिपोर्ट है जो वर्ल्ड बैंक जारी करता है इसको कुछ की फाइंडिंग्स को हम लोग देख लेते हैं यह इंडिया के बारे में बता रहे हैं कि इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू रिसीव रिकॉर्ड 100 बिलियन डॉलर ऑफ रिमिटांसेस इन 2022 ट्वेंटी में सौ बिलियन डॉलर रिमिटांसेस हमारे पास आएंगे जो कि पिछले साल की तुलना में करीब करीब इलेवन बिलियन डॉलर ज्यादा है एटी नाइन पॉइंट फोर बिलियन डॉलर दो हजार इक्कीस में आए थे और दो हजार बाईस में ऐसा मानना है कि हंड्रेड बिलियन डॉलर या उससे भी अधिक आ सकते हैं अभी देखिए डिस्पाइट रीचिंग हिस्ट्रिक माइल स्टोन कहा जा रहा है कि ये जो टोटल रेमिटांस आएगा वो इंडिया के जीडीपी का मात्र तीन परसेंट ही रहने वाला है दो हजार बाईस में अदर टॉप रिसिपइ जिनकी बात की जा रही है इस रिपोर्ट में वो है मैक्सिको चाइना इजिप्ट एंड फिलिपींस देखिए वर्ल्ड बैंक ग्रुप में पांच इंस्टीट्यूशन आते हैं यह नाम याद रखना इंपॉर्टेंट है आईबीआरडी पहला आईबीआरडी का मतलब इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट दूसरा आईडीए इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन आईएफसी इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन मीगा मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी और पांचवा है आई इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट भारत इनमें से जो है चार का तो सिग्नेटरी है ऊपर वाली है चारों का लेकिन भारत इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट इसका सिग्नेटरी नहीं है नेक्स्ट न्यूज इज फ्रॉम आईटी दिल्ली आईटी दिल्ली ने एक डिवाइस बनाया है पावरलेस हीटिंग टेक्नोलॉजी के बेसिस पे या एक लो कॉस्ट हीटिंग सिस्टम होगा जो प्लेन वाटर से कहीं भी एक्टिवेट हो सकता है एनी टाइम एनी एंड यहां हीटिंग के लिए आपको किसी तरह के फ्यूल या इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं पड़ने वाली है सो so, यह किसी भी लोकेशन पर एक हीटिंग सॉल्यूशन के तरह एक्ट कर सकता है एंड यह इतना हीट जनरेट कर सकता है कि किसी भी फूड या बेवरेज को हिट कर सकता है अप अपू सिक्सटी टू सेवेंटी डिग्री सेल्सियस एंड इसके जो बाय प्रोडक्ट होंगे वह होंगे नेचुरल मिनरल्स ये नेचुरल मिनरल्स जो हैं इनको आप सॉइल में कहीं भी डिस्पोज ऑफ कर सकते हो विच डू नॉट एनी टॉक्सिक इफेक्ट द नेक्स्ट न्यूज इज रिलेटेड टू कांगर वैली नेशनल पार्क कांगर वैली नेशनल पार्क आपको पता होना चाहिए यह छत्तीसगढ़ में है एंड यहां वर्ड वाचर्स रिकॉर्डेड ओवर 200 हंड्रेड बर्ड स्पीसीज इसलिए न्यूज में था वर्ड वाचर्स जो हैं जिनको ऑर्निथोलॉजिस्ट भी कहते हैं जो पक्षियों पर अध्ययन करते हैं तो ये इन्होंने देखा कि यहाँ करीब करीब 200 की संख्या में बर्ड स्पीसीज हैं एंड यदि हम बात करें कांगर घाटी नेशनल पार्क या कांगर वैली नेशनल पार्क की तो आपको यहाँ कुछ जो स्पीसीज हैं वो इंडे में यहाँ की मिलेंगी जैसे बस्तर हिल मैना ये बस्तर हिल मैना जो है छत्तीसगढ़ का स्टेट uh, बर्ड भी है माउस डियर भी यहां पाया जाता है कांगर रिवर यहां से फ्लो होती है इसलिए हम इसे कांगर वैली नेशनल पार्क के नाम से जानते हैं छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं तो छत्तीसगढ़ में कुछ और भी आपको नेशनल पार्क देखने को मिल जाएंगे जैसे गुरु घासीदास नेशनल पार्क आपको पता होना चाहिए कि यह कंटिन्यूअस है संजय नेशनल पार्क जो एमपी में है उसी का यह कंटीग्यूस पार्ट है पहले जब छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश एक हुआ करते थे तो संजय नेशनल पार्क ही हुआ करता था लेकिन बंटवारे के बाद जो पोर्शन नेशनल पार्क का छत्तीसगढ़ में आया उसका नाम गुरु घासीदास नेशनल पार्क रख दिया गया एक और नेशनल पार्क जो छत्तीसगढ़ में है वह है इंद्रावती नेशनल पार्क इसका नाम इंद्रावती नेशनल पार्क इंद्रावती रिवर के नाम पर रखा गया है जो गोदावरी की एक ट्रिब्यूटरी है आपको यहां वाइल्ड एशियन बुफेलूस की पॉपुलेशन देखने को मिल जाती है सो so, ये टोटल तीन नेशनल पार्क आपको छत्तीसगढ़ में देखने को मिलते हैं कुछ और भी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क आपको यहां दिखाए गए हैं यू कैन टेक ए लुक एट इट नेक्स्ट न्यूज इज रिगार्डिंग द डीना बलुआरते यह न्यूज में इसलिए थी क्योंकि यह पेरू की पहली फीमेल प्रेसिडेंट बनी है पेरू कहाँ है तो पेरू एक साउथ अमेरिकन कंट्री है जो कि पैसिफिक के कोस्ट पे है हम इसे एक बड़े मैप पे अभी देख लेते हैं हम चल रहे हैं पेरू को देखने के लिए पेरू एक साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट का कंट्री है आप देख सकते हैं इसकी जो बाउंड्री है वह पैसिफिक कोस्ट से लगती है यह पैसिफिक ओशियन है एंड इसके नॉर्थ में इक्वाडोर और इसकी बाउंड्री आप देखेंगे तो इधर ब्राजील से भी लगती है ब्राजील यह है? ब्राजील ठीक है और इसके साउथ में आप देखेंगे तो एक कंट्री है जिसे हम कहते हैं चिले यह है चिले पेरू का कैपिटल आपको देखने को मिलेगा लीमा पेरू का कैपिटल है लीमा ब्राजील का कैपिटल कहा है आप हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू अरबिंदु क्लासेस टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द करंट अफेयर्स ऑफ एंड ट्वेल्थ ऑफ दिसंबर 2022 आज का जो पहला न्यूज है वह है आयुर्वेद से वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस हेल्ड किया गया गोवा की राजधानी पंजी में और इसका इनोग्रेशन किया था हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एंड सीक्वेंस की यदि बात करें तो यह नाइन्थ वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस था और इसे ऑर्गेनाइज किया था वर्ल्ड आयुर्वेदा फाउंडेशन ने और इस बार का थीम था आयुर्वेद फॉर वन हेल्थ मोदी जी ने दो इंस्टीट्यूट का भी इनग्रेशन किया फर्स्ट इंस्टीट्यूट वॉज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन गाजियाबाद एंड जो दूसरा इंस्टीट्यूट था वह है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी इन न्यू डेली द नेक्स्ट करेंट अफेयर इज रिगार्डिंग द कैक्टस प्लांटेशन यूनियन मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट जो है गिरिराज सिंह जी इन्होंने हाल ही में एक मीटिंग रखी थी कैक्टस प्लांटेशन और उसके इकोनॉमिक यूजेज के ऊपर और इसलिए यह कैक्टस प्लांटेशन अभी न्यूज में था कैक्टस एक जीरोफाइटिक प्लांट है जीरोफाइटिक का मतलब होता है जो लेस वाटर में भी सरवाइव कर जाता हो आप कह सकते हैं कि यह लगभग डिजर्ट वाले माहौल में भी रह सकता है ठीक है तो ये कैक्टस एक जीरोफाइटिक प्लांट है जो आपको रिलेटिवली स्लोअर पेस से ग्रो करता है एंड इसका जो लार्जेस्ट कॉन्सेंट्रेशन आप देखेंगे लार्जेस्ट कॉन्सेंट्रेशन आप अर्थ के ये रहा इक्वेटर और यह है थर्टी डिग्री नॉर्थ और यह है थर्टी डिग्री साउथ और इनके बीच में आप इस प्लांट का कॉन्सेंट्रेशन पाएंगे यदि हम रीजन स्पेसिफिक बात करें तो साउथ अफ्रीका सब ट्रॉपिकल नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका में इसका कॉन्सेंट्रेशन आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा यदि हम कैक्टस के यूजेस की बात करें इसके एडवांटेज की बात करें तो हमें हमारे जो ट्रेडिशनल क्रॉप हैं उनसे करीब या एटी परसेंट लेस वाटर रिक्वायरमेंट इसकी होती है बायोफ्यूल का प्रोडक्शन हो या फूड या फोडर के तौर पे इसे यूज करना हो या बायो फर्टिलाइजर बनाना हो हर जगह कैक्टस यूजफुलनेस अपनी दिखाती है इसमें बहुत हाई नंबर ऑफ़ फ्रूट्स होते हैं फ्रूट्स कैक्टस में होते हैं यह बात भी बहुत सारे लोगों को पता नहीं है बट इसके जो फ्रूट होते हैं उनमें हाई शुगर कंटेंट होते हैं और इसलिए इनका यूज़ किया जाता है जैम और जेली बनाने में कैक्टस रेस्टोरेशन ऑफ डिग्रेडेड लैंड में भी मदद करते हैं और इंडिया में तो करीब थर्टी परसेंट ऑफ जो लैंड है वह डिग्रेडेड लैंड है और इसलिए हम कह सकते हैं कि इंडिया में कैक्टस का प्लांटेशन एक गुड आइडिया होगा इनकी जो हीट टोलरेंस कैपेसिटी है वह भी काफी हाई है ड्रोन स्किल ट्रेनिंग कॉन्फ्रेंस अनुराग ठाकुर जी ने इसका इनोग्रेशन किया है और यह भारत की पहली ड्रोन ट्रेनिंग कॉन्फ्रेंस होगी अनुराग ठाकुर जी ने इंडिया की पहली ड्रोन स्किलिंग एंड ट्रेनिंग वर्चुअल ई लर्निंग प्लेटफॉर्म का भी उद्घाटन किया चेन्नई में और साथ ही यहाँ पे एक ऑपरेशन भी लॉन्च किया गया जिसे नाम दिया गया ऑपरेशन 777 हंड्रेड सेवनटी सेवन यहाँ जो सेवन हंड्रेड सेवनटी सेवन है यह है इंडिया के टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट भारत में अभी 777 सौ सतहत्तर डिस्ट्रिक हैं एंड इन सभी डिस्ट्रिक्ट में एक एजुकेशन एंड डेमोन्स्ट्रेशन प्रोग्राम लॉन्च किया गया है इस बात को दिखाने के लिए कि ड्रोन कितना इफेक्टिव होता है डिफरेंट एग्रीकल्चरल में तो ये ऑपरेशन सेवन 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 यह इनिशिएटिव है गरुड़ एरोस्पेस का द नेक्स्ट करेंट अफेयर इन्वायरमेंट यू एन सीबीडी ऑर्गेनाइज होना है यू एन सी बी डी का मतलब यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी सो यू एन सीबीडी का जो एनुअल मीटिंग होता है उसी मीटिंग को हम कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कहते हैं और इस सीक्वेंस में यह फिफ्टींथ मीटिंग होने वाला है फिफ्टींथ मीटिंग और वैसे तो ओरिजिनली यह प्लान था कि इसे चाइना में ऑर्गेनाइज किया जाएगा चाइना में लेकिन आपको पता है कोविड सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल चल रहा है पूरी दुनिया में चाइना ने इसे एक्सपोर्ट किया था लेकिन खुद के ही देश में इसने आ, मतलब इसे कंट्रोल नहीं कर सका आप देखेंगे कि चाइना में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन भी क्रिएट हो गया है इस अनकंट्रोल्ड कोविड के कारण चाइना ने अगस्त 2021 में इसे वर्चुअली एक बार हेल्ड किया है अभी पहला पार्ट था वो अभी इसका दूसरा पार्ट इन पर्सन होना था चाइना के कुनमिंग शहर में लेकिन इस साल भी स्थिति बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है इसलिए इसे अभी शिफ्ट कर दिया गया मॉन्ट्रियल कनाडा में एंड इसे होस्ट वैसे चाइना ही करेगा हम बात करें यदि इसके मेंबर स्टेट्स की तो यूनाइटेड नेशन के सारे मेंबर जो हैं वह यूएनसीबीडी के भी मेंबर हैं सिर्फ एक देश को छोड़ के वह है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यदि हम बात करें दुनिया में हो रहे इन्वायरमेंटल समिट्स की तो इसकी शुरुआत आप देखेंगे तो नाइनटीन में होती है 1972 में इसकी शुरुआत होती है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन इन्वायरमेंट से यू सी एच ई इसे कहते हैं जो कि स्टॉकहोम में हुआ था यह पहला मेजर इंटरनेशनल मीटिंग था जो कि के प्रॉब्लम से रिलेटेड था 1987 में एक दूसरा समिट होता है इसे यहाँ एक प्रोटोकॉल साइन किया जाता है जिसे हम मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहते हैं मॉन्ट्रियल, कैनेडा में है और यह प्रोटोकॉल था ऑन द सबस्टांसेस दैट डिप्लीट द ओजोन लेयर ओजोन लेयर का जो डिप्लीशन uh, था वह एक मेजर प्रॉब्लम के तौर पे दुनिया के सामने आया था और उसे कंट्रोल करने के लिए मोन्ट्रियल प्रोटोकॉल को साइन किया जाता है टू इलिमिनेट केमिकल्स जो कि स्ट्रेटोस्फेयर के ओजोन को हार्म कर रहे थे और इसके बाद आता है लैंडमार्क 1992 का रियो अर्थ समिट और इस समिट से हम देखते हैं तीन चीजें उभर के आती हैं पहला यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज दूसरा कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी और तीसरा यूनाइटेड कन्वेंशन टू चीजें आती हैं। अभी हम पहले देखते हैं यूनाइटेड कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के ऊपर 1992 में ये साइन किया जाता है कन्वेंशन एंड 2000 में जो एक इंपॉर्टेंट लैंडमार्क चीज निकल के आती है वह है काटा प्रोटोकॉल वैसे आप देखेंगे तो यू में टोटल दो प्रोटोकॉल हमें देखने को मिलते हैं नगोया प्रोटोकॉल और काटा प्रोटोकॉल नगोया प्रोटोकॉल 2010 में आता है और काटा प्रोटोकॉल इम्प्लीमेंट हो जाता है 2003 में 2002 की यदि हम बात करें तो 2002 में जो जो भी पार्टी थे सी के वह गोल सेट करते हैं कि हमें जो डिक्लाइन इन बायोडाइवर्सिटी है इसे रोक देना है बाई दो तक अब रोक देना है लेकिन रोक नहीं पाए और इसलिए 2010 में फिर एच ई टारगेट्स आता है एच ई टारगेट में क्या किया गया कि गोल सेट किया गया रिड्यूसिंग थ्रेड टू बायोडाइवर्सिटी पहले 2002 में गोल था कि हमें डिक्लाइन इन बायोडाइवर्सिटी को हॉल्ट करना है हो नहीं पाया 2010 में नया गोल सेट होता है कि हमें रिड्यूस करना है थ्रेट टू बायोडाइवर्सिटी और इसी समय आपको नगोया प्रोटोकॉल भी इम्प्लीमेंट हो जाता है यदि हम बात करें काटाजेना प्रोटोकॉल की तो यह बायोटेक्नोलॉजी को रेगुलेट करने से रिलेटेड था इसलिए इसका पूरा नाम आप देखोगे काटाजेना प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी यह रेगुलेट करता है मोडिफाइड ऑर्गेनिजम्स लिविंग मोडिफाइड ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनको यह कंट्रोल करता है बैक्टीरिया वायरस प्लांट इन सबको जो है यदि आप जेनेटिकली मोडिफाई कर रहे हो ना तो यह सब लिविंग मोडिफाइड ऑर्गेनिज्म की श्रेणी में आते हैं नेशन फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज के बारे में ग्रीन तो हाउस है ना 2005 में यह क्योट, क्योटो प्रोटोकॉल जो है इम्पलीमेंट हो जाता है 2009 एक ऐसा साल था जिस साल इंडिया चाइना समेत अदर जो मेजर डेवलपिंग कंट्रीज थे वह राजी हो जाते हैं कि भाई साहब हम भी अब ग्रीन हाउस गैस इमिशंस को लिमिट करेंगे 2011 में एक नया क्लाइमेट ट्रीटी साइन किया जाता है साउथ अफ्रीका के डर्बन में ठीक है एंड uh, 2015 में इसी से आप देखते हैं निकल के आता है पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट नेक्स्ट न्यूज इज रिगार्डिंग द बुक मेरेकल्स ऑफ फेस योगा मेरेकल्स ऑफ फेस योगा इस बुक को लिखा है मानसी गुलाटी जी ने और इसे अप्रिशिएट किया है हमारे देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने uh, मानसी गुलाटी जो है एक इंटरनेशनल योगी हैं एंड uh, एक ऑथर भी हैं इस बुक में इन्होंने बताया है कि फेस योगा क्या होता है नेक्स्ट न्यूज की यदि हम बात करें तो नेक्स्ट न्यूज उत्तर प्रदेश से है लक्ष्मी सिंह जी की यह न्यूज है लक्ष्मी सिंह यूपी की पहली विमेन पुलिस कमिश्नर बनी है वन लाइनर है आप ध्यान रखें गौतम बुद्ध नगर जिसे हम नोएडा भी कहते हैं वहां की यह पुलिस कमिश्नर बनी है एंड आज का जो लास्ट न्यूज है वह है नॉर्दर्न वुड एक्सपो 2022 के बारे में यह पटना के गांधी मैदान में, में हेल्ड किया गया यह इंडिया का लीडिंग एग्जीबिशन है ऑन वुड वर्किंग एंड मशीनरी के ऊपर और इसे ऑर्गेनाइज किया था ठीक है friends, वह भूपेंद्र पटेल जी के बारे में जो कि नए चीफ मिनिस्टर बने हैं गुजरात के एंड अठारहवें चीफ मिनिस्टर होंगे गुजरात के शपथ लेने वाले गुजरात के यदि गवर्नर की बात करें तो वह आचार्य देवव्रत जी एंड ये बीजेपी से बिलोंग करते हैं और इस बार के गुजरात इलेक्शन में बहुत ही शानदार जीत हासिल की थी बीजेपी ने एंड यदि हम चीफ मिनिस्टर की बात करें तो चीफ मिनिस्टर रियल एग्जीक्यूटिव हेड होता है एंड हेड ऑफ द स्टेट इसे कहा जाता है अपॉइंटमेंट ऑफ सीएम की यदि हम बात करें तो अंडर आर्टिकल 164 सीएम इज अपॉइंटेड बाय गवर्नर एंड ही होल्ड द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नमेंट अब इसका मतलब ये नहीं है कि जब चाहे गवर्नर जो है किसी को भी सीएम बना देगा और किसी को भी हटा देगा एक कन्वेंशन है उसके तहत गवर्नर उसी को सीएम बनाता है जिनको मेजोरिटी का सपोर्ट होता है और उसे तब तक नहीं हटा सकता है जब तक कि मेजोरिटी का कॉन्फिडेंस उस व्यक्ति के अंदर है सीएम को ओथ गवर्नर दिलाते हैं यदि हम गुजरात के पहले सीएम की बात करें पहले मतलब भूपेंद्र पटेल से जो पहले थे वह थे विजय रूपानी नेक्स्ट करंट अफेयर्स इज रिगार्डिंग द फर्स्ट एवर अरब बिल्ट लूनर स्पेस अभी आप देखेंगे तो अभी तक जो गल्फ खाड़ी देश थे वहां पर सारे देश डिपेंड करते थे केवल अपने वाले गैस इकोनॉमी पे लेकिन अब ऐसा देखा जा रहा है उन्हें भी समझ में आ रहा है कि हमें अपने इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा और इसलिए आप देखेंगे वहां आईटी पार्क्स पार्क खुल रहे हैं वहां नए नए जो है सो इंडस्ट्रीज आ रहे हैं ये इंडस्ट्रीज मेडिसिन इंजीनियरिंग और स्पेस से भी रिलेटेड है और इसमें जो फ्रंट रनर कंट्रीज हैं वह आपको दिख जाएंगे सऊदी अरबिया यू एंड कतर वगैरह ठीक है तो इसी क्रम में आप देखेंगे कि यू ने अभी पहली बार अरब बेल्ट एक लूनर स्पेस क्राफ्ट लॉन्च किया है हाँ इनका लॉन्चिंग करने के लिए इनके पास व्यवस्था नहीं है तो वो स्पेस एक्स के फाल्कन नाइन रॉकेट का यूज किया गया और इन्होंने जो अभी लूनर स्पेस क्राफ्ट बनाया है उसका नाम रखा है राशिद रोबर और इसे बनाया गया था दुबई के मोहम्मद बिन राशिद स्पेस सेंटर में जो अगला न्यूज है वह है ए बेस्ड स्किल पोर्टल इसे कर्नाटका की सरकार ने जॉब के लिए लॉन्च किया है यदि हम कर्नाटका की बात करें तो वासवराज बुम्बई जो है वहां के चीफ मिनिस्टर है एंड थावरचंद गहलोत जी गवर्नर है इससे ज्यादा इसमें और कुछ आपको देखने की जरूरत नहीं है नेक्स्ट करंट अफेयर इज रिगार्डिंग द जेंडर टूल किट जेंडर टूल किट में क्या है इट इज लॉन्च बाय वर्ल्ड बैंक तो इट इज फॉर द इनेबलिंग जेंडर रिस्पॉन्सिव अर्बन मोबिलिटी एंड पब्लिक स्पेसेस तो इन्होंने कुछ गाइडलाइंस दिए हैं दो वॉल्यूम में अपना लॉन्च किया है ये जेंडर टूल किट को कि अर्बन प्रैक्टिस में हम लोग किस तरह से जेंडर सेंसिटिव हो सकते हैं स का भी ख्याल रख सकते हैं इसका ही है एक की हमें बात करें, तो वर्ल्ड बैंक के अनुसार फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इन इंडिया जो है इट इज ओनली ट्वेंटी टू पॉइंट एट परसेंट इन नाइनटीन ट्वेंटी नेक्स्ट करंट अफेयर इज रिगार्डिंग द रूफ टॉप सोलर स्कीम भारत रिन्यूबल एनर्जी में बहुत ही शानदार काम कर रहा है हमारे जो गवर्नमेंट है उनका बहुत ही एम्बिशियस गोल्स होते हैं जैसे आप देखेंगे रूफ टॉप सोलर स्कीम का जो इनिशियल एम था वह था फोर्टी थाउजेंड मेगावाट ऑफ पावर फ्रॉम द रूफ टॉप सोलर प्रोजेक्ट बाय द ईयर 2022 ट्वेंटी टू ये रूफ टॉप सोलर स्कीम जो है ये घरों की छत पे लगाए जाने वाले सोलर पैनल्स है और इनसे जो बिजली पैदा हो रही है तो गवर्नमेंट ने एम किया था कि वी विल प्रोड्यूस फोर्टी थाउजेंड मेगावाट ऑफ पावर फ्रॉम द रूफ टॉफ सोलर एंड इसके अलावा आप देखेंगे कई सारे सोलर पार्क डेडिकेटेड बनते हैं जहाँ की एक खुले मैदान में एक बड़े जगह पे खास करके वो जो डिग्रेडेड लैंड होते हैं वहाँ पे बहुत हाई कैपेसिटी के सोलर पार्क्स बनाए जाते हैं लेकिन उसके अलावा भी छतों पे भी यदि सोलर पैनल लगाया जाता है वहाँ भी बिजली बन रही है तो गवर्नमेंट लोगों को प्रमोट करने के लिए जो है फोर्टी परसेंट का सब्सिडी देती है फॉर द फर्स्ट थ्री किलो वाट एंड तीन किलो वाट से लेके दस किलो वाट तक यदि आप बिजली पैदा कर रहे हैं तो उसके लिए थर्टी परसेंट के ऊपर ट्वेंटी परसेंट एक्स्ट्रा सब्सिडी फिर दी जाती है एंड हाल ही में इसे एक्सटेंड किया गया है टिल मार्च थर्टी वन ट्वेंटी ट्वेंटी सिक्स तक एंड इस स्कीम को इंप्लीमेंट करती है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिनल एनर्जी अगला न्यूज है रिगार्डिंग द इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे 2022 दिसंबर 9 को यह सेलिब्रेट किया गया था और इसमें किया क्या जा रहा है कि अवेयरनेस जनरेशन किया जाएगा अबाउट करप्शन अराउंड द ग्लोब और इस बार का जो थीम था वह था यूनाइटिंग द वर्ल्ड अगेंस्ट करप्शन इंडिया की यदि हम बात करें तो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में इंडिया एटी रैंक है एंड इस uh, इंडेक्स को लॉन्च करता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ठीक है नेक्स्ट करंट अफेयर इज फ्रॉम क्रिकेट ईशान किशन की के हम बात करेंगे ही इज एन इंडियन बैटर एंड ही हैज हिट द फास्टेस्ट ओडीआई डबल हंड्रेड और ऐसा करने वाले वह वा, भारत के चौथे खिलाड़ी बन गए हैं इनसे पहले सचिन तेंदुलकर वीरेंद्र सहवाग और रोहित शर्मा ऐसा कर चुके हैं यदि हम रोहित शर्मा की बात करें ही इज द ओनली इंडियन हु हैज स्कोर थ्री डबल हंड्रेड इन द ओडीआई ओडीआई का मतलब वनडे इंटरनेशनल फिफ्टी ओवर का जो मैच फॉर्मेट होता है एंड ओवरऑल यदि हम बात करें ग्लोबली तो ही इज द सेवेंथ बैट्समैन ओवरऑल टू अचीव दिस फेट एंड यह बिहार के नवादा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं और यहाँ कई सारे और रिकॉर्ड बने हैं वो आप देख लें कि इन्होंने मात्र 126 गेंद में डबल हंड्रेड ये लगाया है सबसे कम उम्र के हैं जिन्होंने डबल हंड्रेड लगाया है ही इज जस्ट ट्वेंटी फोर ईयर ओल्ड एंड बांग्लादेश के अगेंस्ट जो है हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर भी अब इन्हीं का है एंड ऐसा करने वाली ये मैंने पहले बता ही दिया कि ये फोर्थ इंडियन है द नेक्स्ट करंट अफेयर इज रिगार्डिंग द स्पेशल डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर जियो पोर्टल गवर्नमेंट ऑफ लद्दाख ने सोचा कि हमें अपने इस यूनियन टेरिटरी का मैपिंग करवाना चाहिए इसके लिए गए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग के पास जिसका हेडक्वार्टर आप देख रहे हैं देहरादून में है इनको कहा गया कि आप अपने सैटेलाइट के थ्रू लद्दाख की जो है स्कैनिंग कीजिए और क्या कीजिए वहां जो भी एनर्जी पोटेंशियल है एनर्जी पोटेंशियल है वेजिटेशन है वाटर रिसोर्सेज है इनके लिए आप मैप तैयार कीजिए और डेटा जो जनरेट होगा उसके लिए एक वेबसाइट भी तैयार कीजिए और उस पोर्टल का नाम इन्होंने रखा है जियो लद्दाख जहां ये स्पेशल डेटा को स्टोर किया जाएगा आगे हम बात करते हैं मोपा एयरपोर्ट के बारे में मोपा एयरपोर्ट जो है न्यू ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो गोवा में अभी इनोग्रेट किया गया है पीएम मोदी के द्वारा और इस एयरपोर्ट के बारे में हम देखें तो दिस इज नेम्ड आफ्टर द फॉर्मर सीएम ऑफ गोवा मनोहर पारिकर और ये हमारे देश के डिफेंस मिनिस्टर भी रहे थे एंड ही रिसीव पोस्थमस पद्म भूषण इन ट्वेंटी ट्वेंटी सेकेंड एयरपोर्ट होगा यह स्टेट का गोवा स्टेट का और जो फर्स्ट एयरपोर्ट है वहां वह है दबोलिम नेक्स्ट करंट अफेयर इज फ्रॉम द नागपुर नागपुर में फाउंडेशन स्टोन रखा गया है पीएम मोदी के द्वारा इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर वन हेल्थ का यह एक बी एस फोर लेवल का लेबोरेटरी होगा एंड नागपुर में ही एक और सेंटर का इनोग्रेशन इन्होंने किया है सेंटर फॉर रिसर्च मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ हीमोग्लोबिनोपैथीज ठीक है अब यहाँ एक जो ये टर्म था ना कि वन हेल्थ ये वन हेल्थ होता क्या है तो इसे समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वन हेल्थ इज अबाउट द इंटर कनेक्टेडनेस ऑफ ह्यूम एनिमल्स एंड द एन्वायरमेंट ह्यूमन एनिमल और ये इन्वायरमेंट जो है तीनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। यदि हम बात करें ह्यूमन की तो ह्यूमन चाहे तो वो प्रभावित कर सकता है जानवरों को भी और एन्वायरमेंट को भी एन्वायरमेंट में यदि कुछ गड़बड़ी होती है तो उसका प्रभाव जो है एनिमल पे और ह्यूमन uh, पे भी पड़ेगा और यदि एनिमल के अंदर कोई बीमारियां आती हैं कोई चेंजेज होते हैं तो उसका प्रभाव भी जो है ह्यूमन और इन्वायरमेंट पे पड़ेगा तो कहने का मतलब है कि ये यदि हम चाहते हैं कि आगे आने वाले समय में कोई कोविड नाइन्टीन की तरह की पैंडमिक जो है पूरी दुनिया में ना फैले तो हमें जो अप्रोच अपनाना चाहिए वह वन हेल्थ का अप्रोच अपनाना चाहिए हमें समग्र तरीके से सिर्फ ह्यूमन uh, हेल्थ की बात नहीं करनी होगी हमें इन्वायमेंटल हेल्थ और एनिमल हेल्थ पर भी ध्यान देना होगा जानवरों के अंदर यदि कोई बीमारी है तो वह आज न कल इनवायरमेंट को और ह्यूमन को भी प्रभावित करना ही वाला है नेक्स्ट न्यूज इज फ्रॉम द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जिसका हेडक्वार्टर रोम इटली में हमें देखने को मिलता है 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया गया है एंड इसके लिए अभी मीटिंग चल रही थी रोम इटली में जहां इंडियन डेलीगेशन को लीड किया था सुश्री शोभा कर ने एंड मिलेट्स के यदि हम बात करें ना तो मिलेट्स ऐसी फूड सोर्सेज हैं जो कि स्मार्ट फूड के कैटेगरी में आते हैं एंड इनका कल्टीवेशन भी बहुत आसान होता है इसके लिए कोई बहुत ज्यादा उपजाऊ जमीन हमें नहीं चाहिए होती है जो बेयर लैंड जो कि आप कह लीजिए डिग्रेडेड हो चुके हैं उस लैंड पे भी आप आ, ये मिलेट्स को उपजा सकते हैं एंड दे आर इजी टू कल्टीवेट मोस्टली दे आर ऑर्गेनिक क्योंकि उनमें फर्टिलाइजर्स की जरूरत नहीं होती एंड दे कंटेन द हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू द नेक्स्ट करंट अफेयर इज रिगार्डिंग द पासपोर्ट इंडेक्स इस पासपोर्ट इंडेक्स को रिलीज किया है आर्ट एंड कैपिटल ने एंड इसके अनुसार जो नंबर वन कंट्री है जिसका सबसे मजबूत पासपोर्ट है वह है यू भारत का रैंक इन्होंने एट्टी सेवन रखा है और लीस्ट यूजफुल पासपोर्ट की यदि हम बात करें तो यह है अफगानिस्तान का दिस इज फ्राम केरला प्रोजेक्ट वनीकरण वनीकरण का मतलब है एफॉरेस्टेशन प्रोजेक्ट वनीकरण एंड इट इज लॉन्च बाय द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इन केरला इट इज टू रूट आउट इन्वेसिव प्लांट स्पेशली सेना स्पेक्टेबलिस एंड री स्टोर द नेचुरल फॉरेस्ट केरला के जो सी एम है वह है पिनेरई विजन और गवर्नर वहां के हैं आरिफ मोहम्मद खान स्पोर्ट्स से अगला न्यूज है दिव्या टीएस के बारे में सीजा कर्नाटका शूटर सिक्सटी फिफ्थ नेशनल जो अभी हेल्ड हुआ था भोपाल में वहां इन्होंने अपना पहला 10 मीटर एयर पिस्टल नेशनल टाइटल जीता है नेक्स्ट करंट अफेयर इज फ्रॉम द इकोनॉमिक्स होलसेल प्राइस इंडेक्स की हम बात करते हैं नवंबर महीने में नवंबर 2022 में जो होलसेल प्राइस इंडेक्स था वह 5.85 परसेंट रह गया जो कि लोएस्ट है इन द 21 मंथ्स। होलसेल प्राइस इंडेक्स के बारे में यदि हम बात करें तो इट इज एन इम्पॉर्टेंट इंडेक्स विच इज नेसेसरी फॉर कैलकुलेटिंग द इन्फ्लेशन इन अ कंट्री इन्फ्लेशन कैलकुलेट करने के लिए आप देखेंगे कि एक और चीज का यूज किया जाता है एक और इंडेक्स का यूज किया जाता है होलसेल प्राइस इंडेक्स और दूसरा है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यहां पे आपको उसका अंतर भी दिखाया गया है होलसेल प्राइस इंडेक्स इट इज इट ट्रैक्स द चेंज इन प्राइसेस ऑफ कमोडिटीज एट द होलसेल लेवल होलसेल लेवल का मतलब होता है जब हम बिजनेस कर रहे होते हैं दो ऑर्गेनाइजेशन के बीच में टू ऑर्गेनाइजेशन के बीच में जब बिजनेस हो रहा है तो वहां क्या रेट चल रहा है और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की जब हम बात करते हैं तो रिटेल लेवल पे कमोडिटीज के प्राइस में क्या चेंजेस आ रहे हैं रिटेल लेवल पे कौन है हम और आप हैं जो जाके दुकान से कुछ खरीदते हैं तो वो रिटेल लेवल पे बात हो गई डब्ल्यू को पब्लिश करता है ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर आता है और वहीं सी की बात करें तो एन नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस इसे पब्लिश करता है डब्लू में सिर्फ हम गुड्स के प्राइसेस को ट्रैक करते हैं बट सी में हम गुड्स और सर्विसेज दोनों को ट्रैक करते हैं गुड्स में तो हमारा खाने पीने का सामान हो गया फ्यूल हो गया और जब सर्विसेज की हम बात करते हैं तो यहाँ एजुकेशन हो जाता है हेल्थ हो जाता है ट्रांसपोर्टेशन है रेंट है जो हम हाउस रेंट पे कर रहे होते हैं और यह सारा कैलकुलेशन एक बेस ईयर पर किया जाता है तो 2011-12 को बेस ईयर रखा गया है डब्ल्यू पी आई के लिए और वही 2012 को हमने सीपीआई का बेस ईयर बताया है द नेक्स्ट करंट अफेयर इज रिगार्डिंग द बैन ऑन स्मोकिंग फॉर नेक्स्ट जनरेशन न्यूजीलैंड दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया है जहां की लॉ पास करके यंगस्टर को अब बैन कर दिया गया है कि आप कोई भी स्मोकिंग प्रोडक्ट खरीद सकते हैं और साथ ही आप देखेंगे तो जो निकोटीन की जो अमाउंट है निकोटीन का अमाउंट है उसे भी रेगुलेट करने की कोशिश की गई है पहले न्यूजीलैंड में आप देखेंगे कि लगभग 6000 हजार ऑथराइज स्टोर थे जहां ये स्मोकिंग प्रोडक्ट्स को सेल किया जा सकता था इसे घटाकर अभी करीब 600 कर दिया गया है 2009 के बाद जिनका भी जन्म हुआ है उन्हें सिगरेट खरीदने से स्मोकिंग प्रोडक्ट्स खरीदने से मना कर दिया गया है बैन लगा दिया गया उनके ऊपर और फेज मैनर में पूरे न्यूजीलैंड में जो है स्मोकिंग प्रोडक्ट्स का सेल बंद हो जाएगा तो आप अंदाज लगाइए आज से लगभग पचास साल बाद फिफ्टी ईयर्स लेटर जो लोग होंगे उन्हें अपना सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा कि वो सिक्सटी थ्री ईयर्स के हैं तभी उन्हें जो है यह स्मोकिंग प्रोडक्ट मिल पाएंगे ठीक है एंड दैट्स ऑल फॉर टूडे थैंक यू थैंक यू सो मच